नमस्कार। आइए एक बार हम सब लोग बहुत बड़े ग्रुप में फिर से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 के बाद 3 साल बीत गए, हम लोग इतने बड़े ग्रुप में नहीं मिल पाए। कारण आप सबको मालूम है, लेकिन अब यह मौका मिला है एनसीक्यूसी 2022 औरंगाबाद में, क्योंकि 27 से 30 दिसंबर को हो रहा है और 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बार हम सब लोगों से मिले, और एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जो कि अपने में अद्वितीय है, हमें उसको देखने का, उसके घूमने का भी मौका मिलेगा। यस, और इसीलिए बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आई, कुछ ऐसा कीजिए सर कि जिस दिन हमारा केस रिप्रेजेंटेशन हो उसी दिन रिजल्ट मिल जाए, तो हम कुछ उसका फायदा उठा सके और इतना बढ़िया मौका मिला है आसपास देख सके। बेशक हम लोगों ने इसमें काफी डिस्कशंस किए और अल्टीमेटली हम लोगों ने वो रास्ते निकाले जिससे कि आप जिस दिन केसेस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसी दिन आप रिजल्ट ले सकते हैं, और अगला दिन इवन जब आप आ रहे हैं 27 तारीख को भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं आसपास के स्थानों को देखने का। साथियों, हमें खुशी है कि आप ऐसा इसमें ज्वाइन हुए। ये जो रिफ्रेशर प्रोग्राम है, हर साल हम इसको करते ही है, लेकिन हमने सोचा है इस रिफ्रेशर प्रोग्राम के साथ साथ थोड़ा आपको नेशनल कन्वेंशन के बारे में ब्रीफ कर दे। 27 से 29 हमारा फंक्शन है और 30 तारीख को इंडस्ट्रियल विजिट। इनॉगरल सेशन 27 तारीख को 3 से 5 बजे के बीच में होगा, 3 बजे से 5:30 बजे, फॉलोड बाई टी। तो 27 तारीख को केवल एकमात्र 1-2.5 घंटे का ये हमारा इनॉगरल फंक्शन है। इसके अलावा हमारे फोरम की जो दूसरी एक्टिविटीज है वो चलेंगी। आप जो बाकी समय है उसका आनंद ले सकते हैं, और किसी कारण से आप इनॉगरल सेशन को अटेंड नहीं कर पाए तो कोई चिंता की बात नहीं, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, हर एक को लिंक दे रहे हैं। यदि किसी कारण से आपको नहीं मिला अपने साथी से पूछ सकते हैं, और लाइव इनॉग्रल सेशन अपने मोबाइल में देख सकते हैं, अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। और ये लाइव भी मिस हो जाए तो इवनिंग में बैठ करके भी आप इस इनॉग्रल सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब में आपको मौजूद मिलेगा। इसका लिंक हम सबको भेज देंगे। एक अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी कारण से इनॉग्रल से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप अटेंड कर रहे हैं, आप उसकी सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आपको मालूम है, जो लोग पुराने हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक करना होगा। ये जो रजिस्ट्रेशन स्लॉट है ये आधे आधे घंटे के स्लॉट से जब आप बुक करेंगे, ए बी सी ग्रुप में है और हर स्लॉट में कितनी सारी केस, कितनी सारी टीम्स अपने को रजिस्टर कराएंगी
वो वहां पर मौजूद होगा। आप अपने को उसमें रजिस्टर कराइए और कोई एक व्यक्ति भी डिप्यूट कर देती है टीम, जो अपनी आई कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के आते हैं। उसमें जो कॉलम है कि कौन रजिस्ट्रेशन कराने आया है, उसका आई कार्ड क्या है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद पूरे टीम के लिए उसको कूपन दे देते हैं। वो चाहे तो बाहर निकल करके कूपन अपने टीम के मेंबर को बांट सकता है। जब उसकी पूरी टीम नहीं आई, एक ही दो लोग आए हैं, ये लोग जाकर के सबके लिए किट बैग और गिफ्ट भी ले सकते हैं। एंड टोटल टाइम इसमें कहीं पर भी आपको कियोस्क नहीं मिलेगी। विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके किट बैग ले सकते हैं। किट बैग आप उस दिन नहीं लेना चाहते तो दूसरे या तीसरे दिन कभी भी ले सकते हैं, वो रेगुलर मिलता रहे। आप ये 26 को आ रहे हैं तो निश्चित रूप से 26 को जरूर रजिस्ट्रेशन करा ले। जहां तक 27 आप उस दिन आ रहे हैं तो मॉर्निंग में 8 से 10:30 तक आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 10:30 वाला 11 बजे हमारा खत्म हो जाएगा और 11 बजे से हमारे अपने फंक्शन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए शुरू हो जाएंगे, जो कि चलेंगे लेट 2 बजे तक। फिर 2 बजे और 2:30 बजे दो स्लॉट्स और दिए हैं, जो किसी कारण से 27 को लेट आए हैं, 2 और 2:30 के बीच में आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसा आपको बताएं कि 3 बजे से हमारा इनॉग्रल सेशन होगा फॉलोड बाई टी। 28 दिसंबर को 8:30 से 10:30 तक और शाम को 5 से 5:30, 29 तारीख को जो लोग अपना केस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हो सकता है वो एक दिन पहले शाम को लेना चाहे, वो भी ले सकते हैं, और वो चाहे तो सुबह भी आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज इस तरह से है, आपके ऊपर है। लेकिन यदि आपने स्लॉट नहीं बुक किया है तो आपको प्रॉब्लम होगी, और यदि आपने स्लॉट बुक किया है लेकिन गलत टाइम पे आ रहे हैं तो भी दिक्कत होगी। आप जरूर स्लॉट बुक कीजिए रजिस्ट्रेशन का और अपने चुने हुए स्लॉट से 10 मिनट पहले आप हमारे यहाँ पहुंच जाइए, रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। यहाँ पर मॉडल प्रेजेंटेशन, जो लोग अपनी केस स्टडी लेकर के आ रहे हैं, 100 लोगों को हम अलाउ करते हैं। वह 3 बैचेस है, 28 तारीख को फर्स्ट हाफ एक, सेकेंड हाफ दूसरा, 29 तारीख को फर्स्ट हाफ, जिसमें मॉडल प्रेजेंटेशन भी होगा और काइजन, इंडिविजुअल काइजन प्रेजेंटेशन भी होगा। और यहां पर उन लोगों ने जो फैमिली में 5 ईयर्स होम की है उनका भी प्रेजेंटेशन होगा। मॉडल प्रेजेंटेशन में 100 लोगों को हम अलाउ कर रहे हैं और करीब 25 अवार्ड इसमें देने जा रहे हैं, यानी 1/4 लोग अच्छे मॉडल के लिए अवार्ड पाएंगे। जो बैच प्रेजेंट कर रहा है, जिस बैच में आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसी के तुरंत बाद आपको अवार्ड मिल जाए। तो बेस्ट 80 हर बैच में मिलेगा, हो सकता है किसी में टाइप हो तो 9 हो जाए, तो टोटल 25 आ जाए। क्विज एज यूजुअल, जिन लोगों ने रजिस्टर कराया है दिस ऑप्शनल, जो चाहे तो रजिस्टर करा सकते हैं। और जिन्होंने रजिस्टर कराया है 20 तारीख को 11 बजे से 12 बजे के बीच में उनको लिंक मिल जाएगा, वो अटेंड कर सकते हैं। क्विज 25 मिनट्स का है, पहले 15 क्वेश्चन एक एक मिनट के, लास्ट 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, दो दो मिनट के। जो फाइनल क्विज है वो 29 दिसंबर को 2:30 पर
मेन हॉल में होगा। तो यहां पर बेस्ट टॉप 10 टीम, उनको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, वो इस फाइनल क्विज में आएंगे। ऐसे जो लोग फाइनल क्विज में आ रहे हैं वो कोशिश करें कि अपनी केसेस प्रेजेंटेशन स्लॉट नंबर 10, 11, 9, 10 में रखे 29th को, तो बेटर होगा। तो इस तरीके से जो टॉप 25 में से जो 15 है उनको हम लोग कंसोलेशन प्राइज देंगे। आउट ऑफ 10 एक विनर होंगे, दो रनर होंगे और बाकी जो 7 होंगे वो एप्रिसिएशन प्राइज मिलेगा। जहां तक केस स्टडी प्रेजेंटेशन के रिजल्ट्स की बात है, जैसा हमने कहा सेम भी रिजल्ट मिल जाएगा। किस तरीके से 28 तारीख को जो पहले 1 से 8 स्लॉट है, पहले 8 स्लॉट जिन्होंने 11:12 पर प्रेजेंटेशन किया है 8:30 से के बीच में, ऐसे 8 स्लॉट को 2:30 उनके उसी हाल में उनके जजेस द्वारा सर्टिफिकेट और मेमेंटो दिया जाएगा। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, मेमेंटो डमी होगा, आप फोटो खिंचा सकते हैं और सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रेशन काउंटर में दिखा करके अपना मेमेंटो ले सकते हैं। जो स्लॉट नंबर 9 से 13 है लंच के पहले के, उनको लगभग 3:15 यानी 3:22 पर उन 5 टीमों को उनके ही हॉल में मिल जाएगा। और जिन्होंने स्लॉट नंबर 14 से 22 तक प्रेजेंट किया है उनको 6:10 पर पूरी पूरे जो टीम है 9 टीम सबको रिजल्ट मिल जाएंगे, ग्रुप फोटो हो जाएगी। आप ग्रुप फोटो और भी किसी सीनियर के साथ लेना चाहते हैं तो जो रुक्मणी हाल है बराबर खुला रहेगा, आपकी टीम वहां जाकर के भी फोटो ले सकती है, क्योंकि मेमेंटो आप ले चुके होंगे, आप अपने मेमेंटो के साथ फोटो भी ले सकते हैं। 29th को पहले 9 स्लॉट में जो प्रेजेंटेशन हुआ है उनको 12:45 पर अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन स्लॉट नंबर 10 और 11 इनको वैलिडिटी सेशन में मिलेगा, क्योंकि जब इनका खत्म होगा उसके बाद रिजल्ट बनते बनते समय लगेगा और हमारा 2:30 से क्विज है 3:30 तक, और 3:30 से 5:30 के बीच में जो वैलिडिटी सेशन होगा उसी में इनको ये प्राइस मिलेगा। इस तरीके से जो टीम 28th को प्रेजेंट कर रही है उनको 28th को, जो 29th को प्रेजेंट कर रही है उनको 29th को रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप घूमिए जरूर, एक ध्यान रखिए, आपको कंपनी ने भेजा है, आपने अपना प्रेजेंटेशन किया है और परसाल में फिर तो आना है ना, तो केस स्टडी भी चाहिए, आइडिया भी चाहिए। और यदि हमारे टीम मेंबर्स अलग अलग हाल में चले जाए और जाकर के उनकी केस स्टडीज देखे तो उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। कुछ और भी अवार्ड्स है, आपको मालूम है स्लोगन पोस्टर पोएम से स्किल कंपटीशन, ये 10:30 पर 28 तारीख को रुक्मणी हॉल में दिया जाएगा। जो लोग स्लोगन पोस्टर पोएम
इन सब में विनर है और फिजिकली आए हुए भी है एज ए डेलीगेट ऑफ एनसीक्यूसी 2022। उनको मेमेंटो और सर्टिफिकेट दोनों मिलेगा। लेकिन जो लोग आए नहीं है एज ए डेलीगेट, उनके सर्टिफिकेट उनको भेज दिए जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो विनर्स तो हैं लेकिन डेलीगेट के रूप में नहीं आए हैं, तो उनके सर्टिफिकेट केवल भेजे जाएंगे मेमेंटो में। तो साथियों, जैसा हम कह रहे थे कि हम लोग अलग अलग हाल में बढ़ जाए, और 5 से 10 केस स्टडी जो 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगेगा देखें, ईमानदारी की बात यह है आप तमाम सारे आइडिया हिचहाइक कर सकते हो और अगले साल के लिए 4-5-6 केस स्टडी का बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा यदि हम केस स्टडीज को सिंसियरली देखें। बेशक एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, हम नहीं चाहते आप उसको मिस करें। बहुत कुछ औरंगाबाद उसके आसपास देखने के लिए है। आज जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद हार्डली 30 किलोमीटर दूर स्लीपिंग हनुमान जी, श्रीडी साई बाबा टेम्पल, कुछ कहने की बात नहीं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अजंता क्लेव, अजंता केव्स जो कि लगभग 110 किलोमीटर औरंगाबाद से है। एलोरा केव क्योंकि करीब 30 किलोमीटर और जब मंदिर है उसके पास में ही है। और अजंता और एलोरा केव्स जो है ये दुनिया की प्रसिद्ध केव्स में से है, एक वर्थ सीन देखने योग्य। दौलताबाद फोल्ट, बीबी का मकबरा जैसे देखने में लग रहा है जैसे ताजमहल हो, डुप्लीकेट ताजमहल पहुंचते। औरंगजेब टॉम, पंचक्की और भी जाने कितनी चीजें हैं वहां देखने की, तो जरूर उनका आनंद लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखिए कि अपने को आउट ऑफ 50 जो नॉलेज से अच्छे नंबर लाने हैं। और अभी तक जो हमने बताया है उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। सो रिफ्रेशर प्रोग्राम हम लोग एक बार देखते हैं, विभिन्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुने देखें और बुक्स को भी पढ़ें जिससे कि आप नॉलेज टेस्ट में अच्छा कर सकें। साथियों, नॉलेज टेस्ट में जो कि कंपलसरी है लेकिन HRT और जो काइजन डिस्प्ले कर रहे हैं मॉडल में उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉलेज टेस्ट 21, 22, 23 दिसंबर 2022 को होगा। ये 3 दिनों में रखा गया कि पिछली बार हम लोगों ने 1 दिन में रखा, लोड बहुत बढ़ गया था, प्रॉब्लम आई थी सर्वर में, इसलिए इसको 3 दिनों में रखा है और अलग अलग टाइमिंग पर रखा है। आपको डेट और स्लॉट टाइमिंग कम्युनिकेट कर दी जाएगी। हर टीम से 3 सिलेक्टेड मेंबर रहेंगे, तीनों को अलग अलग लिंक मिलेगा, तीनों को अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे और उनके जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज मार्क्स टीम का मार्क्स होगा। यदि आउट ऑफ 3 में से कोई एक अटेंड नहीं करता है तो उसके 0 नंबर माने जाएंगे और आपका एवरेज कम हो जाएगा।
सर्किल 5S, लीन क्वालिटी सर्किल, लीन सेफ्टी सर्किल और जितने भी एलाइड कॉन्सेप्ट से सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन होंगे। नॉर्मली जो काइजन में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, काइजन एलक्यूसी कंबाइंड रहता है, तो तीन लोगों के जो एवरेज मार्क्स है वो इसमें शामिल होंगे। टेस्ट का ड्यूरेशन 25 मिनट्स, 10 मिनट पहले तैयार रहिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। तो 10 मिनट पहले से आपको इंस्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, आप उसको पढ़ लीजिए। और एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, स्क्रीन को छोटा नहीं करना है, इस बैक बटन नहीं दबाना है, अदरवाइज आप पूरे नंबर लूज कर जाएंगे। अपना वाईफाई चेक कर लीजिए, पर्सनल हॉटस्पॉट चेक कर लीजिए, लैपटॉप पूरा चार्ज है कि नहीं देख लीजिए, जैसे कहा अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज मत कीजिए, बैक बटन बिल्कुल प्रेस मत कीजिए। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, पहले 15 क्वेश्चन 60 सेकंड यानी एक मिनट का, 5 क्वेश्चन 2-2 मिनट के क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले होंगे, तो कुल 25 मिनट। हाँ, 5S में कैलकुलेशन नहीं है इसलिए इसका हर क्वेश्चन एक मिनट का होगा और ये 20 मिनट्स का रहेगा। एक बार आपने आंसर डिसाइड कर लिया, कॉन्फिडेंस के साथ उसको टिक कीजिए। और जैसे आपने आंसर टिक कर दिया, आप उसको सबमिट कर दीजिए। आप सबमिट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। आप सबमिट नहीं करेंगे तो जो उसका टाइम है 60 सेकंड का, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा। ये आप टिक नहीं लगाओगे, 60 सेकंड निकल गए तो भी सबमिट हो जाएगा, एंड माना जाएगा कि आप उसको नहीं कर पाए। तो टाइम इनकेस टाइम फॉर द क्वेश्चन इज ओवर, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आपने टिक किया हुआ है, सोचा मैं तो सबमिट नहीं किया, घबराइए नहीं, वो हो गया सबमिट। तो आपने टिक कर दिया, टाइम पूरा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और नहीं टिक किया है हमने जैसे बताया, तो भी जो टाइम ड्यूरेशन उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा। इस बार हमने कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। सो लेट अस रिफ्रेश अवर सेल्फ ऑन डिफरेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स एंड टूल सेट। पुनः एक बार अपने को रिफ्रेश करें, आइए देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ द फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। आइए हम लोग अपने क्वालिटी गुरुज को देखें, डॉक्टर डब्ल्यू सेवर्ड, जिन्होंने कहा कि कितना भी सोफिस्टिकेटेड हमारा प्रोसेस या मशीन क्यों ना हो, दो चीजें आइडेंटिकल नहीं बनाई जा सकती, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन। और चूंकि इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को इन्होंने ध्यान दिया, इनको द मैन हु डिस्कवर्ड क्वालिटी के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। पीडीसीए द बेसिक आइडिया था डब्ल्यू सेवर्ड का था। डॉक्टर डिमिंग जब पीडीसीए बता रहे थे वो बराबर इस बात को मेंशन भी करते थे, लेकिन सेवर्ड ने कहा नहीं, आपने इसको पॉपुलराइज किया है इसलिए पीडीसीए डेमिंग फील्ड के नाम से ही जाना जाएगा। उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट और जो पर्सनल लाइब्रेरी थी वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को दान कर दी। ये उनके भारतवर्ष के प्रेम को दिखाता है। हम लोग सब उनके बड़े आभारी हैं।
डब्ल्यू एवर डेमिंग, जिनको 1950 में जनरल मैकार्थर ने बुलाया। उस समय जूसे और कैंडन रेड, एक ऐसा एसोसिएशन जो चीफ एक्सिक्यूटिव का है, दोनों ने मिलकर सीरीज ऑफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जूसे ने 1951 में इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेमिंग अवार्ड डिक्लेयर किया। डॉक्टर डेमिंग को 1940s में सैंपलिंग टेक्निक्स के लिए जाना जाता है, जिसका प्रयोग सबसे पहले यूएसए में इसको सेंसेक्स के लिए किया गया। डॉक्टर जे एम जुरान, जुरान ट्रायोलॉजी में क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट तीन भाग है। इन्होंने जो यूनिवर्सल फिनोमेना दिया वाइटल फ्यू और यूजफुल मैनी का, वो अपने में फेमस है। इशिकावा जी, इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल की शुरुआत होती है एजुकेशन से और एंड भी होता है एजुकेशन से, और जब तक वर्क प्लेस है क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज, क्वालिटी कंट्रोल सर्कल एक्टिविटीज बराबर चलती रहेगी। तो 1962 में जो इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स को जन्म दिया, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हुआ और ज्यादातर लोगों ने इसको क्वालिटी सर्कल के रूप में अपनाया। सिकची नाकाजिमा, जिन्होंने टोटल प्रोडक्ट मेंटेनेंस को जन्म दिया, पीएमए अवार्ड, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पीएमए अवार्ड आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नाकाजिमा को इस टीपीएम फिलॉसफी के इंडस्ट्री में इंप्लीमेंटेशन के लिए जापान के एम्परर ने रंजू होशू और मेडल विद ब्लू रिबन अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर पीसी महानालोबिस, उन्होंने टागी एडवोकेट एंड पायनियर द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी और स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया और कहा कि अगली जो शताब्दी है बेसिक स्टैटिस्टिक्स के लिए जानी जाएगी, और आज स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस हम सब लोग महसूस करते हैं। जापान में जो रेवोल्यूशन आया, पहले क्वालिटी कंट्रोल के लिए, टोटल क्वालिटी कंट्रोल की बात करी, फिर कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल की बात करी, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था एक नेक्स्ट प्रोसेस इज द कस्टमर। ACWQC बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। आइए थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री देखें। 1940s में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, बट लेकिन आज भी आप देखो हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पर ही शायद बिलीव करते हैं। इंडस्ट्री में ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना लिया है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, बट ब्लड में शायद नहीं आया। तभी अब ये घर के दुनिया भर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, तब तक गारंटी पीरियड है, ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे कहां बिलीव करते हैं। जब ब्रेकडाउन आता है तभी हम लोग उसको रिपेयर कराते हैं। जबकि 1950s में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चालू किया गया। ये दो तरह का था, टाइम बेस्ड कंडीशन। 1950 में डॉक्टर डेमिंग जापान आए, जैसा आपको बताया, और 1954 में डॉक्टर जुरान जापान। डॉक्टर डेमिंग का जो डेमिंग व्हील था उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ, प्लान डू चेक एक्ट, लेकिन इशिकावा जी ने इसको मॉडिफाई किया, प्लान को दो भागों में और डू को दो भागों में बांटा, और इस प्रकार से टोटल छह भाग हो गए। प्लान में पहले अपना उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करें, अब फिर उसको कैसे अचीव करें। डू, एजुकेशन और ट्रेनिंग, पहले लोगों को एजुकेट करो, ट्रेन करो, फिर उनको बोलो काम करने के लिए, उसको चेक भी करो और एप्रोप्रिएट एक्शन। छह
स्टेप हो गए। सातवां स्टेप क्या होगा, आपने जो एक्शन लिया है उसका रिजल्ट क्या रहा। इस प्रकार से आज भी जापानीज डेली रूटीन मैनेजमेंट के लिए इसको फॉलो करते हैं। उनके हिसाब से कहते हैं पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट, आपने प्लान किया चेक किया और एक्शन दिया। लेकिन सपोज आपने चेक किया और पाया कि सब कुछ ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम उस सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर दें। जब आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, आप कीजिए, सब जगह कीजिए, चेक किए लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो प्रॉपरली एक्शन लीजिए। लेकिन सपोज सबने स्टैंडर्डाइज कर दिया, अब क्या एक्शन होगा, स्टैंडर्ड को चेंज कर दो। और उसको कैसे अचीव करेंगे, फिर से प्लान करो, फिर करो, चेक करो, और यही कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहेगा, जिससे हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ सकते हैं। 1960s में प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इनफैक्ट 1964 में प्राइस डिक्लेयर किया गया, 1962 में क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स, 1964 में पीएम प्राइस ऑलरेडी आपने बता दिया। तो 1970s इनफैक्ट 1971 में टीपीएम आया, और धीरे धीरे करके इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यार ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, क्या क्या करें। रोज देखिए आप पाएंगे कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि बेसिकली देयर कोई कल दो ही कॉन्सेप्ट है, इनोवेशन, नया डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी और नया सिस्टम। और पहले इसी पे लोग बिलीव कर रहे थे, केवल कुछ टॉप सीनियर लोग एक्सिक्यूटिव्स वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, ये मान के चलते थे कि नीचे वाले जो लोग हैं उनका काम है केवल चुपचाप उसको फॉलो करना, और शायद वो लोग टास्क परफॉर्मेंस को इस तरह मानते थे कि शायद उनके दिमाग नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, कभी कहते थे चुपचाप अपने काम करो, अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अमेरिकन्स ने महसूस किया नहीं, इनके दिमाग भी है और बोल सकते हैं, तो अब इनसे आइडिया क्यों ले, और तब उन्होंने सजेशन स्कीम चालू की। सजेशन स्कीम में ये महसूस किया गया कि लोग सजेशन दूसरों के बारे में देते हैं अपने बारे में। जापानी से कहा कि इनके दिल और दिमाग भी है, दिल भी है, और दिल दिमाग है और बोल सकते हैं, ये इनका इस्तेमाल क्यों ना करें, और हम इनको क्यों ना कहें कि आप अपने कार्य क्षेत्र की प्रॉब्लम को लो, अपनी समस्या को लो और सुझाव मत दो, करके देखो, और इस तरीके से काइजन की शुरुआत। काइजन मसाकी माई जिसके जन्मदाता, काई मींस चेंज, जेन फॉर बेटर, तो काइजन क्या हुआ, चेंज फॉर बेटर, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो जापानीज मेथोडोलॉजी है इनोवेशन प्लस काइजन, और हम भारत में पार्टी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। काइजन के तीन प्रमुख स्टेप हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इंप्रूवमेंट लाना है, पहले तो उसको एलिमिनेट कर दो, जो प्रॉब्लम आ रही है नहीं कर सकते, कैन बी रिड्यूस, उसको हम रिड्यूस कर दे, या कोई सिस्टम ही चेंज। एक कॉपीड काइजन हम लोगों ने डेवलप किया, कॉपीड काइजन में क्योंकि ज्यादातर देखा गया लोग काइजन करते हैं, हमारी आदत है हम दूसरे में कमी ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कॉपीड काइजन को हमने इंट्रोड्यूस किया तो हमने देखा कि लोग वहां जाते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको ला करके अपने आप इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि कॉपीड काइजन में भी हम लोगों को रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं। आप कहेंगे ये जो तमाम सारे नाम आ रहे हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट की बात करें वो क्या है, एक्चुअली ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है। आप ले लीजिए 5S, अरे भाई हाउसकीपिंग में आपको मैन पावर लगता है, मटेरियल लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, मसल पावर लगता है, भगवान ने हमको भेज दिया है, तो 1S 2S 3S हाउसकीपिंग है। हम अपना ब्रेन लगा करके कोशिश करें हमको 1S 2S 3S न करना पड़े, हाउसकीपिंग को टोटली एलिमिनेट कर दे, और ये नहीं कर सकते उसको रिड्यूस कर दे,
जो भी सिस्टम डेवलप करे उसको स्टेबलाइज कर दे, वो चौथा एस हो गया, और उसको फॉलोअप करेंगे पांचवा एस हो गया। तो फाइव एस सोल्यूशन फॉर हाउस कीपिंग, वेस्ट कंट्रोल, एसएमईडी सेटअप एडजस्टमेंट टाइप को कैसे इंप्रूव करें, पोका योके मिस्टेक प्रूफ सिस्टम कैसे बनाए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की, कॉस्ट रिडक्शन, सिक्स सिग्मा जिसमें हम डिफेक्ट और वेरिएशन को कंट्रोल करते हैं, जस्ट इन टाइम जिसमें हमने इन्वेंटरी कंट्रोल की बात करी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बेंचमार्किंग, सारे प्रोजेक्ट्स है डिफरेंट टाइप के। अभी आप देखिए काइजन, काइजन दो भागों बांट सकते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअली हम अपने कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने घर में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, सोसाइटी में ला सकते हैं, फैमिली में ला सकते हैं, गांव में ला सकते हैं। ये जो ग्रुप काइजन है इन दो भागों में, एक स्ट्रक्चर एक अनस्ट्रक्चर। मैनेजमेंट ने कोई थीम दिया है, किसी ने आपस में मिल करके ग्रुप बनाया और उसको कर लिया, मैनेजमेंट को बताया अनस्ट्रक्चर का। लेकिन स्पेसिफिकली खास तौर से एक ग्रुप बनाया जाए, उसको प्रोजेक्ट दिया जाए कि आप इसको हल करें, वो स्ट्रक्चर का। ये स्ट्रक्चर का ये दो तरीके का, ग्रासरूट लेवल पर और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर। सीनियर और मैनेजमेंट लेवल पर जितने लोग रखे गए हैं वो तो रखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि यदि वो प्रॉब्लम सॉल्व टूल्स एंड टेक्निक सीख जाए और जो सिस्टम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम का उसको फॉलो करे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो ज्यादा बेटर सॉल्व होगी, जल्दी सॉल्व होगी, उसका सोल्यूशन बेटर आएंगे, बेटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्या था ग्रास रूट लेवल की बात है, क्योंकि अभी तक हमने उनको कभी इन्वॉल्व नहीं किया था, तो पहला काम है उनको डेवलप करो, फिर उनको बोलो प्रॉब्लम सॉल्व करे। डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी सर्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लीन क्वालिटी सर्किल। अभी आप देखिए क्वालिटी सर्किल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्यों सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर अपनी सिंपल प्रॉब्लम को लेते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो एप्लीकेशन जितने टूल्स एंड टेक्निक है उनका सीख सके। तो यहां पर एक पहले डिफिनेशन हुआ करती थी 1995 के बाद जो चेंज हुआ, स्मॉल ग्रुप, पहले कहते कम से कम 5-15, लेकिन अभी नहीं, अभी स्मॉल ग्रुप छोटा ग्रुप है। पहले स्वेच्छा से आने की बात कर रहे थे, अभी ऑटोनोमसली एडमिनिस्टर्ड की बात कर रहे हैं। आप पहले उनको बताइए उनके अंदर से आत्मा से आना चाहिए, और जब वो टीम बनाते हैं शामिल होते हैं, अल्टीमेटली जो मुख्य उद्देश्य है क्वालिटी सर्किल का, सेल्फ डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट, और इससे उनकी कैपेबिलिटी का विकास होता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारा जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो हमारा ग्राहक है, और सोशल कंट्रीब्यूशन में उनको एक नई सोच उत्पन्न होती। मैनेजमेंट के लिए भी उन्होंने कहा कि अपने को जो CWQC या TQMR उसका इक्विवेलेंट को चालू करना पड़ेगा, और इसमें सब लोगों को लगना होगा, जिससे कि हम जो रियल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और वर्क प्लेस यूटिलाइजेशन है उसको बेहतर बना सके, ऑपरेशन स्थान को आगे ले जा सके। यहां तक मोटिवेशनल थ्योरी की बात है, आप जानते हैं मैस्लोज हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी, बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, उसका सेफ्टी नीड, और ज्यादातर संस्थान में जब ये पूरा हो जाता है तो आप भी क्या चाहते हैं, लोग मेरे को जाने, सोशल नीड। ये क्वालिटी सर्किल हो चाहे लीन क्वालिटी सर्किल हो चाहे क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम हो, ये नीड उसको सेटिस्फाई कर। फिर उसके बाद उनके मन में आता है कि लोग मेरे को माने, यानी वो नंबर वन पे है कंपटीशन। आज आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्यों, आप चाहते हैं कि आपके अधिक से अधिक नंबर आए, आपकी टीम पार एक्सलेंस आए, इंटरनेशनल में आपको मौका मिले,
ये सब क्या है, इगोरिस्टिक नहीं। और ये सब करते करते एक समय ऐसा आता है कि आप इतने रम जाते हैं कि आपको एक इस तरह के ग्रुप में बैठ करके जब डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक सुखद अनुभूत होती है और उसमें जो आनंद आता है वो इस बात को बताता है कि शायद आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। मैक्ग्रेगर्स थ्योरी, एक्स और वाई थ्योरी, इसमें वाई थ्योरी क्वालिटी सर्किल और जितने भी लीन क्वालिटी सर्किल या क्वालिटी प्रॉपर्टी में उसको सेटिस्फाई करती है। यहां तक पैट्रिक हेसबर्ग जिन्होंने कहा था कि दो तरह के फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर और इफेक्टिव मोटिवेशन। हाइजीन फैक्टर मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन न होने पर यह डीमोटिवेटिंग फैक्टर जरूर है। जहां तक इफेक्टिव मोटिवेशन की बात है, ये चैलेंजिंग वर्क जब लोगों को दिया जाता है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है और उसको अचीव कर लेते हैं, तो उनके अंदर एक अंदर से खुशी आती है जो उन्होंने अचीवमेंट किया है। और यदि उसको मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज कर देता है तो सोने में सुहागा की बात हो जाती है और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है उन सब लोगों के। जहां तक पार्टी सर्कल में स्ट्रक्चर की बात है, जो लोग पार्टी सर्कल में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो पोटेंशियल मेंबर है। जो मेंबर्स है वो अपना लीडर और डिप्टी लीडर चुनते हैं, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो कोई ना कोई उसको चेयर करना चाहिए। 6 महीने बाद डिप्टी लीडर लीडर बन जाता है, लीडर एक्स लीडर बन जाता है और कोई एक डिप्टी लीडर चुन लिया जाता है। और इस तरीके से हर एक को मौका मिलता है लीडरशिप डेवलप करने का। फैसिलिटेटर और डिप्टी फैसिलिटेटर मैनेजमेंट नॉमिनेट करती है। जितने भी एपेक्स लेवल पे सीनियर एसओडीज है, ये सब स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। आपको मालूम है स्टीयरिंग की इंपॉर्टेंस, जब गाड़ी से स्टीयरिंग निकाल दो तो क्या हालत हो। यहाँ पर भी जब रेगुलर मीटिंग स्टीयरिंग कमेटी करती है, एक्टिविटीज को देख रही है, उस पर करेक्टिव एक्शन ले रही है, तो क्वालिटी एक्टिविटीज या जितनी भी एक्टिविटीज है क्वालिटी कॉन्सेप्ट की बराबर चलती रहती है। टॉप मैनेजमेंट का बिना आशीर्वाद के तो शायद हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और सबसे ऊपर से नीचे तक सबसे कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर, डिप्टी कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट, जिसे जरूरत हो वो उस ढंग से उसको डिप्यूट करता है, निर्भर करता है कितने क्वार्टर सर्कल्स चल रही। यदि मल्टी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन है तो सब जगह सिस्टम एक जैसा हो, इसलिए कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्वार्टर सर्कल सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए मिलते हैं, कई जगह देखा है वो 15 दिन में एक बार मिलते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस 1/4 रह जाती है। जो महीने में एक बार मिलते हैं, इशिगावा जी ने कहा है वो स्लीपिंग सर्कल्स है। पार्टी सर्कल का एक अपना रजिस्टर है, उसमें मीटिंग मिनट्स, उसमें अटेंडेंस भी होती है, जो लोग आते हैं सिग्नेचर करते हैं, जो नहीं आए हैं छुट्टी पर है उनको लीव, लेकिन ड्यूटी पे आए हैं मीटिंग में नहीं आए हैं तो ए मार्क किया जाता है। और यदि मैनेजमेंट ने कहीं उनको बाहर या ट्रेनिंग में भेज दिया है जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे, उनको ड्यूटी या डी मार्क कर दिया जाता है। अटेंडेंस फैसिलिटेटर डिप्टी फैसिलिटेटर की भी होती है। मीटिंग मिनट्स हर मीटिंग के बाद एचओडी के पास जाना चाहिए और एचओडी उसको साइन करे। यहाँ पर मीटिंग मिनट्स में फैसिलिटेटर और डिप्टी फैसिलिटेटर को भी साइन करना है, लीडर को भी साइन करना है। फैसिलिटेटर डिप्टी फैसिलिटेटर का जो सिग्नेचर है वो ये नहीं बताता है कि उन्होंने मीटिंग अटेंड करी है, वो तो सिग्नेचर अटेंडेंस पेज में ही सिग्नेचर होने पे होगा। यहाँ पर ये बताता है कि आपने मीटिंग मिनट्स पढ़ा है। आप 15 दिन में छुट्टी पर है, लौट के आए हैं, तो फैसिलिटेटर और डिप्टी फैसिलिटेटर चाहिए कि मीटिंग मिनट्स को पढ़े और उसमें सिग्नेचर। जहां तक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप की बात है, थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, कम से कम साल में एक बार जरूर उसमें
क्योंकि हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी नई प्रॉब्लम जुड़ भी जाती है। तो जितनी अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो कम से कम 50 होने पर आपको पूरे नंबर मिलते हैं। यहां तक सिलेक्शन आप प्रॉब्लम की बात है, हम लोग रैंकिंग मेथड या प्रायोरिटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं क्वालिटी सर्कल टीम में 6 मेंबर है तो 6 पहले ए है तो ए टाइप की, देन बी में, फिर सी में जाएंगे। पहले 6 प्रॉब्लम ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले सारी ए टाइप की प्रॉब्लम को पढ़ी जाती है, जिसका इंस्टेंट सोल्यूशन समझ में आ जाता है उसको ए आबली के मार्क कर दिया जाता है। और ऐसे में जो ए आबली के है वो सीधे स्टेप नंबर 9 पे चले जाते हैं, जो उसका सोल्यूशन को मालूम है। जो रिमेनिंग ए टाइप का सोल्यूशन है, ए टाइप के प्रॉब्लम्स है, उनको पढ़ा जाता है। हर कोई एक एक प्रॉब्लम चुनता है, 6 लोग हैं, ये सबने अलग अलग प्रॉब्लम चुनी है, तो 6 भी हो सकते हैं, ये दो ने एक मिला तो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, तो मैक्सिमम 6। अब उनकी प्रायोरिटी हो जाए, प्रायोरिटी के बेस पर जो भी रैंकिंग आई है, जो भी प्रायोरिटी आई है, ये भी 6 के 6 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अभी हम फिर दोबारा वही एक्सरसाइज करके दूसरी 6 प्रॉब्लम या 5 प्रॉब्लम जैसी भी आती है उनको लेते हैं। एक बार प्रॉब्लम चुन लिया, हम उसका माइलस्टोन चार्ट बनाते हैं और रजिस्टर करवाते हैं कोऑर्डिनेटर के पास। एक बार जब रजिस्टर हो गया तो हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम। लेकिन माइलस्टोन चार्ट हम दिखाते हैं डिफाइन द प्रॉब्लम, उसके जो मार्क्स मिलेंगे वो यहाँ पर मिल रहे हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम में अब अपने प्रोसेस के बारे में बताते हैं, चाहे हाई लेवल के माध्यम से, चाहे पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं और उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करते हैं। एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम में ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं कि एनालिसिस तो 5W1H है, लेकिन 1W हम 5वें स्टेप में भेज दे रहे हैं। वाई, क्यों? तो बाकी बचे 4W1H, कब, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए, कितना, क्यों हमने 5वें स्टेप में भेज दिया। यहां पर कुछ लोग लिखना शुरू करते थे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, कहां है, यहां है। अरे भाई, ये एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डिफाइन द प्रॉब्लम सब बता चुके हो। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में आपको बताना है प्रॉब्लम कब कब आती है, कहां कहां आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कितनी कितनी प्रॉब्लम आती है। जो ये प्रॉब्लम आती है आप हल करते हो तो कितना मैन पावर लगता है, कितना मटेरियल लगता है, कितना समय लगता है, अगले डिपार्टमेंट को क्या लॉस होता है, पिछले डिपार्टमेंट को क्या लॉस होता है, आपको क्या लॉस होता है, क्वालिटी भी क्या लॉस होता है, कितना वेस्टेज होता है, ये सारे डेटा चाहिए। यहां तक फाइंड आउट कॉजेस, हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं, कॉजेस, सब कॉजेस, सब सब कॉजेस, जो लास्ट वाला है उसको राउंड अप कर देते हैं और उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। यह है प्रोबेबल रूट कॉज, प्रोबेबल रूट कॉज। छठे स्टेप में हम ये प्रोबेबल रूट कॉजेस जो है उनको वैलिडेट करते हैं कि कौन सा इसमें इफेक्ट कर रहा है। मान लीजिए 4 प्रोबेबल रूट कॉज इस समय इफेक्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, इसमें कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, हमको डेटा एनालाइज करना। पास डेटा है उसे एनालाइज कर लो, नया डेटा ले सकते हो, नया डेटा ले लो, और ये दोनों पॉसिबल नहीं है तब फिर जो लोग उसे कनेक्टेड है ओपिनियन पोल लेनी होगी। अभी आपको मालूम पड़ गया इसमें कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, पैरेटो डायग्राम बनाया, तो जो सबसे बड़ा कारण है पहले उस पर अटैक करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, करना सभी को। यहाँ डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन, हम सोल्यूशन डेवलप करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, और जो भी सोल्यूशन निकल करके आए हम जब उसको तय कर लिया, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सबकी सहमत हो गई, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई विरोध तो नहीं आएगा, और यदि कोई विरोध आया तो हमें उसमें क्या करना होगा। ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन,
इसमें पीडीसीए रेलवे में प्लान, कौन सा इक्विपमेंट लेने जा रहे हो, कौन सा प्रोसेस लेने जा रहे हो, कौन मटेरियल लाएगा, कौन उसको लगाएगा, कौन उसको सेट करेगा, कौन इसकी रीडिंग लेगा, कौन अगली शिफ्ट में डिफरेंट शिफ्ट में लोगों को गाइड करेगा, और ये कोई गड़बड़ होता है तो वो लोग किसको रिपोर्ट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, सारा कुछ। देन डू, देखो जो लोग करने वाले हैं उनको मालूम है कि नहीं मालूम है, अदरवाइज उनको एजुकेट करो, उनको ट्रेन दो, उनको करने दो, इसके बाद उनको चेक करना। और जब आपने देख लिया परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है तो आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट कीजिए अप्रूवल। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान क्योंकि आप बराबर परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं तो मीटिंग में क्या करेंगे, मीटिंग में थोड़ी चेक कर रहे हैं, मीटिंग में तो हमने क्या आउटकम निकला, थोड़ी देर डिस्कस किया, फिर क्या करेंगे। इसीलिए इसी स्टेप पर जब ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन में हम लगा देते हैं, परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं, इसी स्टेज में हम अगले प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन बेशक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन फैसिलिटेटर के माध्यम से एक टोटल प्लान बन जाता है, कैसे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और हम लोग बराबर देखते रहे वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फॉलोअप एंड रिव्यू इसको बराबर बनाए रखने के लिए हमें क्या चेकलिस्ट लेनी होगी, क्या डेटा लेने होंगे, क्या ग्राफ बनाना होगा, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, क्या क्या चीजें बनानी है वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। और इस तरीके से ये जो पहली स्टेप्स है ये खाली क्वालिटी सर्कल के लिए नहीं, क्वालिटी सर्कल लर्निंग के लिए हम 12-12 स्टेप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी स्टेप इसमें ऐसा नहीं है जिसको कि आप डिलीट कर सकते, आपस में इंटीग्रेट कर सकते। जो हम आगे हमने किया है आगे आपको बताएंगे। जहां तक सस्टेनेबल क्वालिटी सर्कल की बात है, जो मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन है, लिसनिंग, ध्यान से वो लोग सुने, केयर करे, टीचिंग, गाइड करे, फैसिलिटेटिंग, टाइम टू टाइम जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करते रहे, क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज बराबर चलती रहेगी। स्लो एंड स्टडी विद द रेस, बहुत लंबे समय तक कहते रहे कि अब ये नहीं चलेगा, और इसीलिए हम लोगों ने लीन क्वालिटी सर्किल को 2010 में स्टार्ट किया। लीन क्वालिटी सर्किल जब डेवलप किया उसके बाद से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और काफी लोग अभी लीन क्वालिटी सर्किल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम है। इसमें करते क्या है, ऑलरेडी जो लोग ट्रेन है, जिनको मालूम है, जिनको नॉलेज है, नई नॉलेज है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। नॉन एग्जीक्यूटिव यानी फर्स्ट लाइन के लोग जो भी प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम दे सकती है, प्रॉब्लम एक्सेप्ट प्रॉब्लम ले सकते हैं, और जिसकी जरूरत हो चाहे वो डिपार्टमेंट का हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट का हो उसको अपने साथ शामिल कर सकते हैं। इमीडिएट बॉस, फैसिलिटेटर कम प्रोजेक्ट ओनर के रूप में रहेंगे, यानी मिनिमम 3 लोगों की जगह स्मॉल ग्रुप 3 लोगों का, 3 में एक फैसिलिटेटर कम प्रोजेक्ट ओनर, एक जिसने प्रोजेक्ट लिया है, एक जो प्रोजेक्ट मदद करने जा, जरूरत पड़ेगी हम 4 भी हो सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सिस्टम है जिसके माध्यम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसमें खास बात यह है क्योंकि हम दूसरे डिपार्टमेंट को भी मेंबर बनाते हैं, उसमें शामिल करते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रोसेस को भी समझने की बात आती है, एक नई लर्निंग आती है। अभी तक महसूस किया गया कि कभी कभी प्रोजेक्ट सेफ्टी के लिए लेते थे क्योंकि एक्सक्लूसिव उसके बारे में नहीं सोच रहे, एक्सक्लूसिव सोचने के लिए हमने लीन सेफ्टी सर्किल को डेवलप किया पिछले 4 महीने पहले से। ये भी एक क्रॉस फंक्शनल टीम है टास्क परफॉर्मेंस की, जब सब लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें निकल के आती है, और उसके आधार पर लीन सेफ्टी सर्किल के माध्यम से हम उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट की। ये सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट के लिए क्रॉस फंक्शनल टीम है। इस तरीके से आप देखिए कि लीन क्वालिटी सर्किल, लीन सेफ्टी सर्किल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम से हमने टोटल एम्प्लॉइज को इसमें शामिल कर लिया है। ग्रास रूट पहले केवल सीनियर और मिडिल लेवल पर ही प्रॉब्लम सॉल्व की बात सोचते थे,
लेकिन वो भी सिस्टमेटिक वे में नहीं, अब एक सिस्टमेटिक वे मिल गया जिसके माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम को लेकर के उसको हल कर सकते हैं। जैसा अभी आपको बताया, इन तीनों में सिस्टम एक जैसा चलता है, प्रॉब्लम हम इंस्टेंट भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम दे सकती, प्रॉब्लम बैंक से भी ले सकते हैं। इवन क्वालिटी सर्किल के लोग प्रॉब्लम जो लेंगे, पहले ए टाइप के लेंगे, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर सी। लेकिन वही क्वालिटी सर्किल के लोग चाहें तो अंडर लीन क्वालिटी सर्कल, फिर क्वालिटी सर्कल वो प्रोजेक्ट नहीं, लीन क्वालिटी सर्कल के माध्यम से वो बी और सी टाइप की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम जो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं की है, इंस्टेंट आ गई है, वो लेना चाहते हैं, तो वो टीम भी ले सकती है। बस ये मेंशन कर दे कि हमने इसको अंडर लीन क्वालिटी सर्कल लिया है, क्योंकि इंस्टेंट प्रॉब्लम लोग नहीं ले सकते, लेकिन अंडर लीन क्वालिटी सर्कल की टीम भी उसको ले सकती है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं दे सकती क्वालिटी सर्कल को, लेकिन अंडर लीन क्वालिटी सर्किल ये संभव है। तो प्रॉब्लम बैंक जो है उससे भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। तो एलक्यूसी, एलएससी एंड क्यूआईटी के लिए सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इस तरीके से है, और जो एक्सेप्ट करता है कि मैं ले रहा हूं प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट लीडर, उसका जो बॉस, फैसिलिटेटर कम प्रोजेक्ट ओनर, मेंबर सेम वर्क एरिया का हो सकता है, मेंबर दूसरे एरिया का भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जैसी प्रोजेक्ट की डिमांड है उसके हिसाब से मेंबर होंगे। मीटिंग्स पार्टी सर्कल की तरह हफ्ते में एक दिन एक घंटे, वो लर्निंग के लिए। लेकिन ये जो मीटिंग है ये कोई स्पेसिफिक मीटिंग नहीं, जहां प्रॉब्लम है ग्रुप जाता है वहां पर बैठ के डिस्कस करता है, देखता है, दो मिनट भी लग सकते हैं, दस मिनट भी लग सकते हैं, दिन में जरूरत पड़े चार बार, पांच बार, छह बार आप मिल सकते हो, आप फोन से बातचीत कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। और जो सोल्यूशन है, कई बार देखा है कोई एक दो घंटे में ही आ जाए, एक दिन में आ जाए, एक हफ्ते में आ जाए, एक महीने में आ जाए, जहां तक इसमें केसेस रिप्रेजेंटेशन की बात है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम ले ली या मैनेजमेंट ने दे दी या इंस्टेंट प्रॉब्लम ले ली, तो पहले दो स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप के 12 स्टेप करते चलेंगे। तो थर्ड स्टेप डिफाइन सेम जैसा कि हमने उसमें बताया। सेकंड मेजर, जहां एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम है, एक्चुअली वी आर मेजरिंग, तभी कहा ना उसमें डेटा चाहिए। स्टेप नंबर चार द सेम एनालाइज। अब आप देखिए क्वालिटी सर्किल में आपको तीनों स्टेप करने हैं लर्निंग के लिए, लेकिन यहां पर यदि केवल वाई 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 से काम चल गया, रूट कॉज निकल आया, तो कॉजल इफेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कॉजल इफेक्ट डायग्राम बनाया, प्रॉपर रूट कॉज निकाले, वैलिडेट किया, और केवल एक ही या दो प्रॉब्लम निकल करके आए, कारण निकल के आए, तो आपको डेटा एनालिसिस यानी पैरेटो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। इंप्रूवमेंट, बेशक आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचते भी हैं, आप आपस में भी डिस्कस करेंगे कि इसको लगाएंगे तो क्या विरोध आ सकता है, लेकिन ये सब यहाँ प्रेजेंटेशन में दिखाने का पार्ट नहीं है, पार्टी सर्कल में जरूरी है क्योंकि वो लर्निंग के लिए, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ आपको सीधे सीधे ट्रायल इंप्लीमेंटेशन, ट्रायल के समय आपके क्या रिजल्ट्स आए, मैनेजमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, और उसके बाद रेगुलर रूप में अब तक आप क्या कर पाए हैं उसको दिखाएंगे। और जहां तक कंट्रोल, स्टेप 12 एज यूजुअल फॉलोअप एंड रिव्यू जो था, यहाँ कंट्रोल, ये पांच डीमैक मेथड से हम लीन क्वालिटी सर्किल हो, लीन सेफ्टी सर्किल हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम हो, बेसिक लीन क्वालिटी सर्किल, लीन सेफ्टी सर्किल में सिंपल टूल्स एंड टेक्निक, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम में थोड़े क्योंकि वो सीनियर लोग हैं तो बड़े टूल्स एंड टेक्निक का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट को ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो 12 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, आप देखिए कोई खत्म नहीं होगा, बट इंटीग्रेट कर देते हैं। किसी भी संस्थान में हम कहते हैं यदि क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करना है, स्टार्ट कीजिए 5S। आज हम एक अभियान लेकर के चले स्वच्छ भारत की,
झाड़ू लगाने से एक बार कूड़ा हमने इधर कर दिया फिर वापस आ गया, वो काम नहीं करेगा। हमें 5S सिस्टम को समझना पड़ेगा, और ये 5S सिस्टम एक जो साइंटिफिक विचारधारा है जिससे कि हम इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या है आप सब जानते हैं, फिर भी एक हम रिपीट कर रहे हैं। पहला है सीरी, रीऑर्गेनाइज करना है उसके लिए सॉर्ट आउट करो अनवांटेड और वांटेड। जो वांटेड आइटम्स हैं हमें उनको रखना है। सेकंड सेट ऑन नीटनेस, नीटनेस कहता है प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज प्लेस, हर एक की एक जगह, हर चीज अपनी जगह। अब आप देखिए हम लोग साल में घर में भी एक बार या दो बार, इंडस्ट्री में भी अपने डिपार्टमेंट भी एक्सक्लूसिवली 1:2 करते हैं, लेकिन डे टू डे में हम लोग क्या करते हैं 3S सेसो क्लीनिंग। जब हम सफाई करते हैं तो क्या मिलता है, अनावश्यक और आवश्यक सामान, अनावश्यक बाहर कर देते हैं, आवश्यक सामान को फायदे से रख देते हैं, यानी 3S 1S और 2S का कॉम्बिनेशन। जब हम सफाई कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम इसको निकालना है या रखना है। लेकिन ये तीन की तीनों चीजें हाउसकीपिंग, जैसे हमने पहले कहा इसमें अपने को मैन पावर लगता है, मटेरियल लगता है, पैसा लगता है, समय लगता है, मसल पावर लगती है। एक भगवान ने हमको ब्रेन दिया है, हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है, सेफ्टी सर्कल एक्सेट्रा। अरे भाई इनको अप्लाई कीजिए ना, और देखिए हमें 1S 2S 3S करना ही ना पड़े, या उसमें जितना हमें एफर्ट करना पड़ रहा है हम उससे बहुत कम एफर्ट से ही उसको मेंटेन कर सके, ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें और उसको एक्सटर्नलाइज कर दें और उसमें विजुअल मैनेजमेंट डेवलप करें, जिसे देख के लोगों को मालूम पड़ जाए क्या सही है क्या गलत है। जिन लोगों ने किया है अब उसका पालन भी करना होगा। तो फिफ्थ है सिस्टम के डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, जो सिस्टम आपने डेवलप किया है आप उसका पालन करें। और कहते हैं 21 times 21 बार याद आप उसको पालन करते हैं तो आपकी आदत भी आ जाएगा। साथियों जापान ने जब सेरी से के चांस की बात थी सब एस 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 से हो, लेकिन आज हमारे बहुत सारे शिक्षकगण ट्रेनर्स ये दिखाने के लिए कि अंग्रेजी में हम एस 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 कर सकते हैं, हिंदी में भी सा कर सकते हैं, पूरे उसके मीनिंग को बदल दिया। बड़ा दुख होता है जब उसको देखते हैं गूगल में भी, क्योंकि जो डाल दिया तो लोग उसको देखते हैं समझते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई मीनिंग बदल जा रही है, आप देखिए ना सीरी साटो छाटो, अरे क्या छाटो, इसमें स्पेसिफिक है अनवांटेड एंड वांटेड, लेकिन साटो जब लिखेंगे तो उसमें तो अच्छा बुरा भी छाट सकते हो, छोटा बड़ा छाट सकते हो, सफेद और रंगीन भी छाट सकते हो, तो इस तरीके से पुराना नया छाट सकते हो, क्या छाटने जा रहे हो। यदि किसी को बोलो सामान रख करके छाटो बेचारा क्या छाटे, नीटनेस सेट इन ऑर्डर, सब सामान रख दिया चलो सेट इन ऑर्डर, किस ऑर्डर पे लगाओगे, छोटे से बड़े क्रम में लगाओगे, दो बड़ा एक छोटा, एक बड़ा दो छोटा लगाओगे, कैसे लगाओगे, कलर वाइज लगाओगे, साइज वाइज लगाओगे। अरे भाई नीटनेस कहता है फंक्शनली स्टोरेज, हमारे तीन कैटेगरी में फ्रिक्वेंटली यूज आइटम जो बार बार जरूरत पड़ती है एक जगह रखो, जो नॉर्मली जरूरत पड़ती है उसको दूसरी जगह रखो, जो रेयरली जरूरत पड़ती है उनको लेबल लगा के दूसरी जगह रखो, भारी आइटम हल्के आइटम निकालने में रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो क्लीनिंग, या जब शुरू में 5S स्टार्ट हुआ था एक्चुअली वो क्लीनिंग में मशीन पर ही ज्यादा कंसंट्रेशन था,
मशीन को क्लीन चमकना चाहिए, शाइन आनी चाहिए। ये आज इन जनरल जब हम ले रहे, क्लीनिंग इज नॉट शाइनिंग, क्लीनिंग जैसा हमने आपको बताया, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। शाइनिंग दो चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जस्ट कल्पना कीजिए, आपका कार क्षेत्र बिल्कुल चमक रहा है, सामान जितने भी है वो भी सब बिल्कुल चमक रहे, बिल्कुल साफ है, लेकिन सब स्कैटर्ड वे में रखे हुए, इसको फाइव इयर्स बोलेंगे क्या? और ईमानदारी की बात यह है कि ऊपर के जरा तीनों स्टेप देखो। पहले मैम साल राउंड की बात कर रहे हैं, दूसरे मैम क्या कर रहे हैं, जो काम का सामान है फ्रिक्वेंटली यूज जाता है उसको अलग करो, रेयरली यूज है उसको अलग करो, नॉर्मल यूज को अलग करो, भारी सामान नीचे हल्का सामान ऊपर, तो इन सबको तो सॉर्ट आउट ही कर रहे हो आप। क्लीनिंग में क्या कर रहे हो, जो क्लीनिंग के समय पर काम का सामान है अलग कर दो, बिना काम का ना भी सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो सभी जगह ऊपर तीनों स्टेप तो सॉर्ट आउट कर रहे हो, सभी लिए तो सॉर्ट आउट वन, सॉर्ट आउट टू, सॉर्ट आउट थ्री, ऐसे 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 आ जाएगा। अब देखो सेरी सेटान से सो के बाद सिकेसु, क्योंकि उसका मीनिंग स्टैंडर्डाइजेशन है और वो एस से शुरू होता है, तो किसी ने भी उसको बदलने की कोशिश नहीं करी। लेकिन शिशु के डिसिप्लिन कुछ लोगों ने लिख दिया सेल्फ डिसिप्लिन, एस से शुरू हो रहा है ना। अरे भाई 10 लोग हैं, एक ने कहा सेल्फ डिसिप्लिन हम, लेकिन बाकी लोग नहीं मान रहे, तब ना सबको मानना पड़ेगा, ये ग्रुप ने मिलकर तय किया है, सबको फॉलो करना पड़ेगा। जो सस्टेनेंस है वो तो इसका आउटकम है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया हम उसका पालन। जागृति ग्रुप ये हमने डेवलप किया था एक उद्देश्य के साथ कि लोगों के अंदर एक हाइजीन के प्रति अवेयरनेस आए, एक कल्चरल चेंज आए और पर्सनल हाइजीन में भी परिवर्तन है। किसी भी संस्थान में ये संख्या ज्यादा है तो 10% लोगों को जागृति ग्रुप का मेंबर एक महीने के लिए बनाते हैं, संख्या कम है तो 20% लोगों को 2 महीने के लिए जागृति ग्रुप का मेंबर बनाते हैं। ये जागृति ग्रुप का मेंबर अपना काम करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी को भी टॉप टू बॉटम टोक सकते हैं। हफ्ते में एक दिन गेट में लोगों के नाखून भी चेक करते हैं, कैंटीन में भी जाके लोग कैसे खाना खा कर चेक करते हैं, और इस तरीके से ये जो कल्चरल चेंज है, कई बार लोग कहते हैं कि इनके टोकने से क्या सुधार आ जाएगा, हार्डली। लेकिन एक बात पक्की है, ये जब दूसरों को टोक रहे हैं तो कम से कम इनके अंदर सुधार जरूर आ जाएगा, और 10 महीने के अंदर जब 100% लोग कवर हो गए, हमने कहते हैं 100% में सुधार आ जाएगा, लेकिन 30-40-50% में सुधार आ गया, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। 5S यदि आप केवल संस्थान में लागू कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट लागू कर रहे हैं, आप अपने बॉस के अपने मैनेजमेंट के प्रेशर से कर रहे हैं, लेकिन यदि रियली 5S आपके ब्लड में आ गया है तो हम देख सकते हैं कि आपने उसको अपने घर में भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हम जहां भी चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, शॉप्स हो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रूरल सेक्टर, IT, सिक्योरिटी, हमने सभी जगह इसको इम्प्लीमेंट किया है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 5S इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और इससे जो सबसे बड़ा हेल्प मिलता है, जो 3 M's की बात करते हैं, बुढ़ा मुरी मुरा, बुढ़ा वेस्ट, मुरी ओवरबर्डन एंड मुरा अनइवेननेस। 5S जब इंप्लीमेंट करते हैं, इसमें एक सिंपल सा रजिस्टर है जो 2 साल चलता है, पतला सा, उसे 5 चीजें हैं। हर सब जोन में जितने भी लोग हैं सबको एक जिम्मेदारी दी जाती है, हर कोई अपने वर्क एरिया का जिम्मेदार होता है, प्लस उसको कुछ कोई कॉमन एरिया या नो मैन्स लैंड दिया जाता है। इस तरीके से टोटल एम्प्लॉई और टोटल वर्क एरिया कवर हो जाता है। हर कोई अपने एरिया की एक माइक्रो चेकलिस्ट बनाता है, गिवन एरिया की माइक्रो चेकलिस्ट बनाता है, गिवन एरिया में हिडन एरिया की लिस्ट बनाता है और अपने एरिया में हिडन एरिया की लिस्ट बनाता है। ये सब हाथ से लिखते हैं, रिजल्ट क्या होता है वो उनके ब्रेन में लिख जाता है, और जब वो आते हैं अपने उस अपने ही एरिया में, जहां भी एबनॉर्मलिटी होगी ब्रेन तुरंत उसको रीड कर लेता है और इन्फॉर्म करता है, देखो यहाँ पर गड़बड़ है, और धीरे धीरे
लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ने लगी, ऑडिट सीट जिसके माध्यम से वो लोग सेल्फ ऑडिट करते हैं, जो कमी आती है उस पर एक्शन लेने की बात होती है, एक हमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस डेवलप करनी होती है और महीने में एक बार मीटिंग करके जस्ट बुलेट पॉइंट मीटिंग मिनट्स में डाल दें। तो सेल्फ ऑडिट ऑलरेडी हमने बुक में 40 पॉइंट ये प्लान के 40 पॉइंट ऑफिस के दिए हुए हैं, जब दोनों को कंबाइन करेंगे 60 के लगभग पॉइंट आ जाते हैं, बहुत सारे कॉमन है। जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट आपके यहाँ अप्लीकेबल हो, जो भी अप्लीकेबल है आप उसको ले लीजिए, जो एडिशनल जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़ देते हैं, लेकिन मिनिमम 30 चेक पॉइंट जरूर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम टोटल एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करें, इसमें पहले लीडर एक व्यक्ति को लेकर के जाता है ऑडिट के लिए, फिर वो गाइड करता है जिसने ऑडिट किया है, अगला अगले हफ्ते दूसरा व्यक्ति जाएगा, और जो व्यक्ति जाएगा उसको जिस दिन ऑडिट हुआ उसी दिन बता दिया जाता है कि अगले हफ्ते आपको जाना है, क्योंकि अपना ही वर्क एरिया है तो पूरे एक हफ्ते तक आग नहीं रखेगा, वो अपने एरिया को बड़े ध्यान से देखता है, रिजल्ट ऑब्जर्वेशन पावर पर। फिर एक एक पॉइंट में जाता है और हम उससे कहते हैं आप मार्क्स दीजिए, और 4-5 में 4.9 भी दिया है, 0.1 क्यों काटा रिमार्क, 5 में 5 देंगे तो लीडर वापस आता है उस एरिया को देखने के लिए, कोई नहीं चाहता कि उसका बॉस फिर वापस आए, तो कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है और इसी से उसकी ऑब्जर्वेशन पावर और बढ़ती है। अब जो उसने कमियां बताई हैं, मैनेजमेंट जब उसको हल करा देता है उसको एक खुशी भी होती है, और बाई चांस को इसको गड़बड़ करने की कोशिश करे तो तुरंत भाग कर कहता है क्यों इसको ऐसा कर रहे हो, यानी उसके अंदर ओनरशिप आ जाती है। यहां तक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बात है, महीने में 4 ऑडिट हुए, 30 पॉइंट भी हैं, 120 कमियां निकल करके आई हैं, बहुत सारे कॉमन हो सकती है, मान ली 50-60 भी हैं, हम नहीं कहते कि 50-60 का सलूशन निकला है, लेकिन 50-60 में से एक ग्रुप में बैठ के डिस्कस करने पे कम से कम 8-10 के सलूशन तो पक्का निकल आएंगे, और इंप्लीमेंट करने में आप 50% फेल भी हो गए तो कम से कम 5 का परमानेंट सलूशन निकल आया जिसमें आपको सफलता मिल गई, और इसीलिए कहते हैं कि हर महीने 5 स्टैंडर्ड प्रैक्टिस डेवलप, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपके काम को सरल करेगी, समय को बचाएगी और अल्टीमेटली हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा। मैनेजमेंट ऑडिट, इसके माध्यम से हम मैनेजमेंट के लोगों को खाली ऑडिट ही नहीं करते, मैनेजमेंट के लोग एक दूसरे से लर्न करते हैं, जाते हैं स्टूडियो देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या गैप है, बोलते नहीं है लेकिन वो महसूस करते हैं और जाके अपने यहाँ चेंज कराते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट में जो कोऑर्डिनेटर, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके काम है कि जो ऑडिटर्स हैं उनको इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में समझाए, 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा, मार्क्स देंगे, लेकिन जो रिमार्क है रिमार्क की जगह हमने रिमार्क कोड डाला हुआ है, सीरियल नंबर 1-2-3 यहाँ पर आप R1, R2, R3, R4 डाल दीजिए। सिस्टम ऑफ ऑडिट में बड़ा सिंपल है, सिस्टम ऑफ ऑडिट में भाई कितने मार्क्स दिए, कोऑर्डिनेटर ने पूछा, उन्होंने कहा भाई 3.8, तो 1.2 क्यों काटे, ये गड़बड़ R1 के अगेंस्ट में वो तीनों गड़बड़ी नोट कर। इसी तरीके से हर एक में ये लोग मार्क्स देंगे, ये 5 में 5 मार्क्स दे देते हैं, तब कोऑर्डिनेटर का रोल आ जाता है, वो देख करके बताए कि देखिए ये गड़बड़ है, आप 5 में 5 क्यों दे रहे हैं, और अल्टीमेटली कम नंबर दिए तो रीजन उन्हीं को बताना है और लिखना है कोऑर्डिनेटर को। हर महीने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग, और उस मीटिंग में 3 मिनट का प्रेजेंटेशन है छोटी द्वारा जोन वाइज, लास्ट मंथ में क्या क्या परिवर्तन हुए, पहले ये था ऐसा किया, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, नेक्स्ट मंथ में हमारा ये प्लान है और मैनेजमेंट से उनको क्या मदद की जरूरत है, 3 मिनट का प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो जाएगा। यहां तक प्री एंड फाइनल सर्टिफिकेशन ऑडिट है, उसके लिए एक सेपरेट टीम है,
जब कॉन्फिडेंस आ गया तब ये टीम बुलाई जाती है, ये लोग जाते हैं, देखते हैं, या प्री सर्टिफिकेशन में उनके 70% के ऊपर नंबर आते हैं तब वो फाइनल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं और कमियां जो भी है उनको बता देते हैं। फाइनल सर्टिफिकेशन में 70% या उसके ऊपर मार्क्स आते हैं तो इस तरह का सर्टिफिकेट मिल जाता है क्वार्टर सर्कल फोरम ऑफ इंडिया द्वारा। यदि आपके 75% के ऊपर नंबर आए हैं और यूनिट चाहती है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जूसे सर्टिफिकेशन के लिए, तो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो उनको ट्रेड करती है, बता देती है और उनको क्या क्या करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से रिपोर्ट यूसीएफआई हेडक्वार्टर भेजनी है जिससे कि हम उसको फॉरवर्ड कर सके जूसे जापान के। वो उनकी एसेस करते हैं टीम और यदि वो समझती है कि ये ठीक है तो इस तरीके का सर्टिफिकेट भेजती है क्वार्टर सर्कल फोरम ऑफ इंडिया ज्वाइंटली विद यूनियन ऑफ जापानी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स सर्टिफाइड दैट कंपनी का नाम नीचे उनके मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा सिग्नेचर वो हमारे पास आता है, हम उसमें सिग्नेचर करते हैं ईडी क्यूसीएफआई। सिग्नेचर करने के बाद फिर ये आपके पास उस रिस्पेक्टिव कंपनी के पास भेज देते। व्हेन समथिंग इज नॉट वर्किंग डोंट चेंज योर ड्रीम जस्ट चेंज योर अप्रोच। और यही देखिए टीपीएम में हुआ, बहुत सारे क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स की बात आई, टीपीएम में था टोटल थिंग जो आपके लिए प्रोडक्टिव है आप उसको मेंटेन करें। एक समय था जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम डेवलप हुआ अमेरिकन्स द्वारा 60s में, जापानीज ने क्या किया उसके साथ मेंटेनेंस प्रिवेंशन और करेक्टिव मेंटेनेंस को और जोड़ा और ये हो गया प्रोडक्टिव मेंटेनेंस फीचर। 1971 में टास्क परफॉर्मेंस को भी जोड़ा गया, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज को जोड़ा गया और ऑटोनोमस मेंटेनेंस इसको हम बोलते हैं और टीपीएम फीचर आया। गोल जीरो एक्सीडेंट जीरो पोल्यूशन जीरो डिफेक्ट जीरो ब्रेकडाउन। इन्होंने जो क्वालिटी को डिफाइन किया, क्वालिटी डिफाइन है रिलायबिलिटी अवेलेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी अनएक्सेप्टेबिलिटी। ये जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस है ये टास्क परफॉर्मेंस द्वारा किया जाता है, इनिशियल क्लीनिंग प्रिवेंटिव मेजर्स और उसके बाद क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन और उसका स्टैंडर्ड सेट करना, जनरल इंस्पेक्शन ऑटोनोमस इंस्पेक्शन एक्सटर्नलाइजेशन एंड फुल एप्लीकेशन ऑफ ऑटोनोमस मेंटेनेंस मींस वो ऑपरेटर जो है बिकम द ओनर ऑफ द मशीन। जहां तक इक्विपमेंट की बात है, हर ओनर चाहता है कि वो 100% टाइम चले, लेकिन जब यह होता है संडे को बंद रहेगा, इस तारीख को यह बंद रहेगा, हर शिफ्ट में आधा घंटा बंद रहेगा, ऐसा करके यानी चलाने का जो मौका मिला जो ग्रीन पोर्शन है रेड हट आती ग्रीन पोर्शन बचा इसको हम कह सकते हैं लोडिंग टाइम। लेकिन ये जो चलाने का मौका मिला इसमें कभी कभी मेजर ब्रेकडाउन आ जाता है, कभी कोई क्वालिटी चेंज आए, सेटअप एंड एडजस्टमेंट टाइम की बात आ जाती है और इस तरीके से ये जो लॉस है ये हमारा अवेलेबिलिटी लॉस। चलिए ये जो ग्रीन पोर्शन मिला चलाने के समय मिला, इसमें भी क्या होता है बीच बीच में आप देखिए आइलिंग के लिए मशीन बंद की, क्लीनिंग के लिए मशीन बंद कर दिया, मटेरियल वेट कर रहा है, ऑपरेटर का वेट कर रहा है, आगे माल ज्यादा हो गया है, कुछ छोटी सेटिंग चेंज करना है, कुछ छोटे 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 परफॉर्मेंस लॉस। तो जो रिमेनिंग बचा ग्रीन पोर्शन इसमें ही प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जितना भी प्रोडक्ट आया उसमें भी चेक करते हैं और जो क्वालिटी ठीक नहीं है उसको अलग कर देते हैं और उसके कारण हमारा क्वालिटी लॉस। आप देखिए ग्रीन पोर्शन कैसे कम होता चला जा रहा है, तो हमारे ये इफेक्टिवनेस है वो केवल इतनी है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस अवेलेबिलिटी परसेंटेज कितनी रही, परफॉर्मेंस परसेंटेज क्या रहा, क्वालिटी परसेंटेज क्या रहा, और इससे भी मालूम पड़ेगा कि इतना ओईई है। और यदि मैनेजमेंट को ये मालूम पड़ेगी
कोई 70% है और 1% लॉस बराबर 5 लाख रुपए के, तो 30% लॉस 1.5 करोड़ का, इमीडिएटली सोचेगा यार कैसे इसको इंप्रूव करें, कैसे इंप्रूव करें, तो अवेलेबिलिटी परसेंटेज को इंप्रूव करना है। आप एसएमईडी सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस जो सिंगो ने दिया, हम इंटरनल सेटअप को कैसे एक्सटर्नल पे लिया है, जैसे कि हम पहले से उनको करके रेडी रख सके और हम टाइम को रिड्यूस कर सके। ओके ऐसे सिस्टम डेवलप करो जिससे कि फॉल्ट होने की गुंजाइश ही ना हो, उसके पहले हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए, हम उसको सही कर सके। परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, टाइमोशन स्टडी, स्नैप स्टडी, दे में भी हेल्प, लेकिन सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल है वो है ग्रुप टाइम टेक्निक स्टडी। ये हमको ये भी बताती है कि किन किन कारणों से मशीनें बंद हो रही है और ऑपरेटर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, जिसके माध्यम से हम ऑटोमाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं, सेमी ऑटोमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं और करेक्ट एक्शन ले सकते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के। ज्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात है, इसमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की जरूरत है। सिक्स सिग्मा, जो कि बिल स्मिथ एंड बॉब गैल्विन ने 1980 में डेवलप किया, जो इंडिकेट करता है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। सम पीपल ट्राई टू मेक एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, with the person who tries to make everything simple. आज बड़ी समस्या होती है जब हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते चीजों को, आदमी देख के समझ जाता है यार है तो बहुत अच्छी, हमारे बस का नहीं है। स्पेशली स्मॉल और मीडियम स्केल में तो बहुत बड़ी प्रेमेस है, इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इतनी सिंपल चीज आप देखिए ना, टीपीएम क्या कह रहा है, टोटल थिंग जो आपको लगता है आपके लिए प्रोडक्टिव है पहले आप उसको मेंटेन कीजिए। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आप कर सकते हैं आपने कर लिया, लेकिन गड़बड़ होना है कई बार सप्लायर के काम, सप्लायर को अपडेट कीजिए, सप्लायर को अपना एक अंग बनाइए अपने संस्थान का, और समय समय पर जो कस्टमर है उसकी जो चाह है, जिसकी नीड है वो बदलती रहती है, हमें उसको भी देखने की जरूरत है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, और तब हम कह सकते हैं हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़े। और इसको अचीव करने के लिए टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, और उसके साथ साथ टोटल प्रोसेस कंट्रोल और टोटल वेस्टेज कंट्रोल। ये टोटल वेस्टेज कंट्रोल जो हम सामने सामने वेस्टेज देख रहे हैं वो नहीं, बहुत सारे इतने हीटेड वेस्टेज है कि आप सरप्राइज रह जाते हैं जब हम लीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेते हैं और उनका एसेस करके बताते हैं वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज जिससे उनको पैसा मिल रहा है, कस्टमर जिसका पैसा दे रहा है कभी 25-30% ही निकलती है। तो हमें जरूरत है कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को कैसे खत्म करें या मिनिमाइज करें, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम कर सके और टोटल प्रोसेस कंट्रोल हमारे ला सके, तब हम रियल सेंस में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है बहुत सिंपल वे में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लोग परेशान हैं, और इसीलिए हमने एक डेवलप किया डीकेएस मॉडल ऑफ सिंप्लीफाइड टीपीएम स्पेशली फॉर एमएसएमईज या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल है, गारमेंट सेक्टर है, एटसेट्रा, बहुत जरूरत है। इतना सिंपल सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं है, सिंपल सिंपल वे में हम वो सारी चीजें करेंगे जितनी चीजें हम लोगों ने सीखा है, लेकिन बहुत ही सिंपल में। अब आप देखिए इसी कावा जी ने क्या कहा कि 90% प्रॉब्लम हल हो सकती है यदि हम डेटा का स्ट्रेटिफिकेशन, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट के बारे में जान। उन्होंने कहा कि 80% से ज्यादा प्रॉब्लम मैनेजमेंट के कारण है, टास्क परफॉर्मेंस के कारण प्रॉब्लम 20% से भी कम है। क्यों? इक्विपमेंट का सिलेक्शन मैनेजमेंट का है, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट का है, ट्रेनिंग देना भी एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट का काम है, सिस्टम डेवलप करना मैनेजमेंट का काम है, तो उसमें फेल्योर है तो
मेजर फेल हो रहा है। और इशिकावा जी हमेशा फेवर करते रहे, महान आलोक जी यही कहते रहे कि स्टेटिस्टिक्स को हमें जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जब तक स्टेटिस्टिक्स लोग नहीं सीखेंगे नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है टेक्निक वो सिंपल है, इसमें बहुत बड़ी हाईफाई टूल्स है टेक्निक नहीं है, इसीलिए इशिकावा जी ने इसको तीन भागों में बांट दिया था, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, टेक्निक टूल्स, इंटरमीडिएट टूल्स और एडवांस टूल्स। तो इनकी जो नॉलेज है वो हमें प्रॉब्लम को हल करने में बहुत मदद करेगी। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में पीडीसी है, माइलस्टोन चार्ट, गैंट चार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रायोरिटी नंबर, रैंकिंग मेथड, फ्लोरिंग। पीडीसी है ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, यहाँ माइलस्टोन और गैंट चार्ट की बात है, ये एक्टिविटी चार्ट है। हम पहले से प्लान करें, प्लान करने में क्या जाता है, पेंसिल रबर है, प्लानिंग प्रॉपरली हमने ये कर लिया और फिर उसके बाद हम करते हैं तो समय बचता है। यहां तक आप कहेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक्टिविटी चार्ट है। माइलस्टोन में क्या करते हैं, टॉप पे हम टाइम मेंशन कर देते हैं और एक लाइन खींच करके दिखाते हैं इस समय से इस समय तक करेंगे। गैंट चार्ट में क्या है, हम एक लाइन खींच देते हैं और लाइन के बाईं तरफ स्टार्टिंग टाइम और दाहिनी तरफ एंड में छोटा सा ट्रायंगल बना करके एंडिंग टाइम मेंशन कर देते हैं, केवल बनाने के स्टाइल में डिफरेंस है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तीन तरह के, एलेक्स ऑसबर्न ने इसको दिया, स्लिप मेथड, आपका जो भी आइडिया है आप लिख दीजिए, हमें आपका नाम नहीं चाहिए। आजकल तो एसएमएस, व्हाट्सएप इनके माध्यम से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से समय में हम बहुत सारे आइडियाज को कलेक्ट कर सकते हैं और लोग बेहिचक लिख करके दे सकते हैं। बस इसमें आइडिया को हम हिचहाइक नहीं कर सकते, हिचहाइक में क्या होता है आइडिया से आइडिया बनाना इसमें पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने क्या लिख के भेजा है यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप किससे पूछेंगे, उसमें नाम मेंशन नहीं है। ज्यादा फ्री भी लेंगे या अनस्ट्रक्चर्ड है, यदि आपके पास छोटा सा बूम है, छोटा मीन्स ऐसा जो आपकी आवाज को सुन सकता है, एक आप लोगों से आइडिया ले सकते हैं, तमाम लोग आइडिया दे सकते हैं, आइडिया सुनने के बाद ही हिचहाइक करके लोग दूसरे आइडिया भी दे सकते हैं, थोड़े समय में बहुत सारे आइडिया निकल के आ जाएंगे। लेकिन कई लोग इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते, जो स्लो थिंक कर सकते। राउंड रोबिन मेथड, ये छोटी जो पार्टिसिपेल या जैसे छोटी ग्रुप, थोड़ा सा छोटा ग्रुप है उसके लिए शामिल है। इसमें हम एक एक करके लोगों से क्रम से पूछते चले जाते हैं, लोग अपने आइडिया देते हैं, कोई आइडिया नहीं आता है तो पास बोल देते हैं। क्वालिटी सर्किल के लिए, स्मॉल ग्रुप के लिए राउंड रोबिन मेथड बहुत अच्छा है, इसमें ही साइकिंग पॉसिबल है। थिंकिंग दो तरीके की, लॉजिकल एंड क्रिएटिव। यहां पर लॉजिकल थिंकिंग में सॉक्रेटिस का नाम आता है, क्रिएटिव थिंकिंग में थॉमस एडिसन का नाम बड़ा फेमस है। लॉजिकल थिंकिंग में जो सोल्यूशन है वो हमेशा एक ही आएगा, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग आप पाएंगे अलग अलग विचार आ सकते हैं। ये क्रिएटिव थिंकिंग जेपी गिलफर्ड ने कहा इसके पांच एलिमेंट है, फ्लुएंसी, रेट ऑफ आइडिया, एक दिए गए समय में कितना आइडिया निकाल सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, कैटेगरी ऑफ आइडिया, ओरिजिनलिटी, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अनकॉमन, awareness, ability to see and imagine beyond the immediate effect, drive, very important, willingness to contribute and achieve the end goal without the fear of the failure. Flow diagram, तीन तरीके के, high level, matrix and detail. High level flow diagram में हम इस तरह से बनाते हैं, matrix flow diagram में department wise क्या क्या काम कर रहे हैं हम उसको दिखाते हैं, और जब डिटेल फ्लो डायग्राम है इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, टर्मिनल सिंबल जो स्टार्ट या एंड में लगता है, स्टार्ट है तो स्टार्ट लिखो, एंड है तो एंड लिखो, एक्टिविटी सिंबल जो भी एक्टिविटी करना है इसमें मेंशन कर दो, डिसीजन सिंबल तय करो ये तो क्या करना है, नो तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट सिंबल आप खाते में जो भी डेटा लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, डेटाबेस सिंबल
इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को स्टोर कर रहे तो कनेक्ट आज आप फिगर ये बनाते जा रहे हैं, अंत में आ गया तो एक कनेक्टर बना दीजिए, आज यहां से स्टार्ट कीजिए वहां भी एक कनेक्टर बना दीजिए, आप इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे एबीसीडी एबीसीडी काका गागा अल्फाबेट गामा जो भी आप निकाले सी तो वहां भी आप सी, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ से कनेक्ट है, इसके आगे फ्लो चलेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए फ्लो लाइंस की जरूरत पड़ती है और फ्लो डायग्राम लगभग इस तरीके का बनता है। अभी आप देखिए डॉक्टर जुरान ने क्या कहा, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है आपने उसका डिटेल फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है तो उस फ्लो डायग्राम में डिसीजन सिंबल देखिए, जहां जहां डिसीजन लेने थे आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं, एक्टिविटी सिंबल देखिए क्या एक्टिविटी एज पर एसओपी हम कर रहे हैं, यहां रीलूप है क्यों ऐसा हो रहा है, और यह डेटाबेस सिंबल है क्या हम डेटा सही कलेक्ट कर रहे हैं उसका कैलिब्रेशन सही है, यह डॉक्यूमेंट सिंबल है क्या हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्या हम सही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखने की जरूरत है। याद रख सेवन बेसिक टूल्स की बात है डेटा कलेक्शन, पहले इसको चेकशीट के नाम से था बाद में डेटा कलेक्शन किया, स्टेटिफिकेशन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम पारेटो एनालिसिस स्कैटर डायग्राम हिस्टोग्राम प्रॉफिट कंट्रोल, ये इतने सरल हैं बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। डेटा दो तरीके के, मेजरेबल डेटा जिसको हम कंटिन्यूअस या वेरिएबल डेटा भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट डेटा जिसको डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं, डेटा हम आंकड़ों में लिख सकते हैं और वर्बल डेटा भी बोलते हैं। तो डेटा कलेक्शन हमारे लिए जरूरी है, जो हमारा जो भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं उसके लिए एक फाउंडेशन है, हमें बताता है कि उसमें कहां अटैक करें और क्या इंप्रूवमेंट आया, डेटा को स्ट्रेटिफाई करते हैं, आपको दिखाते हैं जब हम पैरेटो डायग्राम बनाते हैं तो एक बंद काज हो जाएगा, पैरेटो डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए हमने एक डिफेक्ट कंपोनेंट के डिफेक्ट्स को स्टडी किया, डिफेक्टिव पीसेस हमने 1500 लिए, हमने उसमें जो भी डिफेक्ट है डिफेक्ट का नाम नहीं डाले बट डिफेक्ट कोड डाल दिया, और उसको क्योंकि पैरेटो डायग्राम बनाया ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, आप कहेंगे लास्ट में 48 के बाद 54 है, यस वो अदर्स है, अदर का मतलब तमाम सारे छोटे छोटे डिफेक्ट को मिला दिया गया, तो हमेशा मिसलेनियस है जो अदर्स है वो लास्ट में आए। अभी आपने इसका परसेंटेज निकाल लिया, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, और इसके आधार पर पैरेटो डायग्राम बना लिया, पैरेटो डायग्राम जैसे आपने बताया था डॉक्टर जुरान की देन हुई क्योंकि उन्होंने वाइटल फ्यू यूजफुल मैनी की बात करी, और यहां पर ये जो कर्व है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लार्वेज कर्व ऑफ कंसंट्रेशन, कहते तेजी से पहले ही आगे बढ़ रहा है जिस जगह से टर्न करता है, ये जो पॉइंट है यहां से आपको लाइन नीचे खींचनी है और इधर जो है ये वाइटल फ्यू है ये यूजफुल मैनी, कई लोग कहते थे 80-20 नहीं, डॉक्टर जुरान ने 80-20 की बात नहीं करी, जब पैरेटो ने बात करी थी उन्होंने जरूर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात करी थी, डॉक्टर जुरान का तो कहना था कि प्रॉब्लम कोई भी उसके बहुत सारे कारण होंगे लेकिन चंद कारण ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, अब ये जो चंद कारण है वाइटल फ्यू और ये यूनिवर्सल फिनोमेना बताया, इसका मतलब क्या है, चंद कारण जब तक है वो तेजी से कर्व बढ़ेगा और जो छोटे छोटे कारण है तो कर्व धीरे धीरे बढ़ेगा, यदि कर्व इस तरीके से नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कई बार आप ये सोचते हैं कि जब डेटा यहां दिया है हमें मालूम है पहले ई लेना है फिर बी लेना है फिर डी लेना है फिर सी लेना है, करना तो सभी है, तुम काहे के लिए दुनिया भर का इतना तामझाम करें इतना चित्र बनाए, यस ये पैरेटो डायग्राम खाली विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं है, विजुअल प्रेजेंटेशन तो हम केवल बार ग्राफ बनाने से लगा सकते थे, हम दोनों साइड के एक्स और वाई एक्सिस जो हमने बनाया है
वाई एक्सिस दोनों साइड में बनाया है, क्यों बनाए? ये इसलिए बनाया गया है कि यदि ये कर्व इस तरीके से नहीं है बल्कि या तो स्ट्रेट लाइन है, अप एंड डाउन है, या कुछ इस तरीके का कर्व नहीं आ रहा है कि तेजी से आगे बढ़कर कभी धीरे धीरे नीचे जाता है, इसका मतलब आपने डेटा प्रॉपरली स्ट्रेटिफाई नहीं किया है, आपने डेटा सफिशियंट डेटा कलेक्ट नहीं किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो हमें फिर से उसको करना होगा, अदरवाइज हम जिसको समझ रहे हैं वाइटल फ्यू, हो सकता है वो सही ना हो। तो ये इस बात को वैलिडेट करता है कि जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं सही है, और हम पहले ई और बी और डी पे कंसंट्रेट करेंगे तो बेटर होगा, रिजल्ट जल्दी आएंगे। जब पैरेटो डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद हम आफ्टर पैरेटो डायग्राम बनाते हैं, ध्यान रखिए कंपैरिजन है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का जो स्केल है वाई एक्सिस इसका वो चेंज नहीं होगा, तो राइट साइड का स्केल है वो केवल चेंज होगा। तो ये स्केल एज इट इज रहेगा, मान लीजिए 1500 की जगह अब वो घट करके 800 आ गया है, तो 800 विल बी इक्वल टू यहां पर 100% आ जाएगा, और उसी हिसाब से पैरेटो डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम तीन तरीके का है, डिस्पर्सन एनालिसिस जिसमें पहले हम हेडर बनाते हैं फिर कॉजेस सब कॉजेस सब सब कॉजेस दिखाते हैं, कॉज इन्फॉर्मेशन टाइप जिसमें पहले हम सारे कॉजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको एफिनिटी से के हिसाब से उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर उसके उसका हेडर डिसाइड करते हैं, और प्रोडक्शन प्रोसेस क्लासिफिकेशन टाइप में हम डिपार्टमेंट वाइज या अलग अलग उसमें देखते हैं और हर एक में कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये टोटली वर्बल बेस्ड डेटा है क्योंकि 7 टूल्स में कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ऐसा है जिसमें कि वर्बल डेटा का इस्तेमाल, और GIS जापान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ने इसको 7 टूल में रिकॉग्नाइज किया। तो आप देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अलग अलग हर एक में क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपने कहा कि क्राइम फेलोर है तो अलग 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 ये है 6, हर एक में क्या क्या हो सकता है आप उसमें देखिए कॉजेस बनाएंगे। यहां तक डिस्पर्सन एनालिसिस और कॉज इन्फॉर्मेशन मेथड हमने आपको बताया, देखने में ये दोनों एक जैसे लगेंगे, केवल एक ही है कि यहां पर जो हेडर है पहले बना करके कॉजेस सब कॉजेस निकालते हैं डिस्पर्सन, और ये जो नए लोग होते हैं उनके लिए होता है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी नहीं आ पाती, और जब हम कॉजेस सब कॉजेस निकाल करके जैसे यहां पर बताया गया था हम लोगों ने इसको करते हैं और एफिनिटी के हिसाब से बना के उसका हेडर डिसाइड करते हैं, ये कॉज इन्फॉर्मेशन मेथड टाइप। और इस तरह का चित्र बना करके कई बार हम डिपार्टमेंट में लगा देते हैं दोनों टाइप में, और कहते हैं लोगों से कि आपके और कोई पॉइंट है तो आप इसमें लिख करके कार्ड्स लगा दीजिए या स्लिप लगा दीजिए, और फिर उसके बाद हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं, और इस तरह जो सेट है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम विद एडिशन ऑफ कार्ड्स ये हो जाता है। अब ये जितने भी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है इनमें जो लास्ट पॉइंट होता है हम उसको राउंड अप करते हैं, राउंड अप करने के बाद हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं जो कि प्रोबेबल रूट कॉजेस है। स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक्स डिपेंड करता है वाई पर, तो एक्स का वाई पे कंट्रीब्यूशन निकालना है तो 100 आर स्क्वायर छोटा सा फॉर्म, आर क्या है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मीन मीडियन मोड ये तीन मेजर से सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। हिस्टोग्राम यदि आप हिस्टोग्राम बनाए और उससे कर्व बनाए और इस तरीके का कर्व आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है, और ये बताता है कि आपका प्रोसेस ठीक चल रहा है। यहां पर
माइनस थ्री सिग्मा से प्लस थ्री सिग्मा के बीच में 99.73% रीडिंग्स आएंगी, टू सिग्मा के बीच में 95.45 एंड वन सिग्मा के बीच में 68.27% रीडिंग आती है। तो यहां पर ऑल थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन एंड मोड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, रीडिंग हर एक के जो आंसर आएंगे वो एक ही होंगे। ये जो हिस्टोग्राम है ये अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं। यहां पर क्या बता रहा है, दाहिनी तरफ ज्यादा डेटा है इसकी पॉजिटिव, बाई तरफ ज्यादा डेटा है इसकी नेगेटिव। आजकल कोरोना टेस्ट में जो नेगेटिव आता बड़े खुश होते समझते शायद यहां भी ये नेगेटिव माने बढ़िया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों ही ठीक नहीं है। एक तरफ बाई तरफ ज्यादा डेटा है, यह इसके पहले वाले में दाई तरफ ज्यादा डेटा थे, डेटा दोनों साइड इक्वल है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब कई बार कस्टमर ने कहा कि आपको इसके ऊपर का माल नहीं चाहिए और आपने माल बनाया है, आपने देखा बाई तरफ बहुत सारा कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर भी माल आ रहा है, आपने उसको हटा दिया, तब जो ग्राफ आएगा जो हिस्टोग्राम आएगा वो ऐसा आएगा। यदि आप लाइन खींचेंगे तो जैसे हाथी के सूट की तरह ट्रंकेटेड लाइन, यदि दो मशीनों में या दो अलग अलग दिन या दो अलग अलग प्रोसेस में माल बन रहा है, एक ही माल बन रहा है लेकिन उसके एवरेज अलग अलग है, डबल पीक आएगा। मिक्स करेंगे माल को डबल पीक आएगा। यदि आपने सही मेजरमेंट नहीं लिए है, सही स्केल नहीं चुना है या बोगस रीडिंग है, आप पाएंगे लगभग कॉम टाइप रीडिंग्स आती है, ये हिस्टोग्राम आएगा। आपने बहुत बड़े लॉट में थोड़ा सा दूसरे स्टैंडर्ड का मटेरियल मिला दिया तो आइसोलेटेड पीक आएगा, इसमें जो छोटा पोर्शन है ये दाहिनी तरफ भी हो सकता है बाई तरफ भी हो सकता है। कई दिनों का रखा हुआ तमाम थोड़ा थोड़ा माल बसता चला गया, आप सब इकट्ठा करते चले गए और इस तरीके का जो माल है आप पाएंगे इस प्लेटो टाइप, यानी बहुत दिनों का या अलग अलग प्रोसेस का माल बचा हुआ सब आपने मिक्सअप कर दिया। प्रोसेस कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपके प्रोसेस की कैपेबिलिटी नहीं है आप सर के बल खड़े हो जाओ कुछ नहीं होगा। तो आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स जरूर आना चाहिए, अभी बहुत कठिन नहीं है बहुत सरल है। सीपी कहता अपर स्पेसिफाइड लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफाइड लिमिट, ये दोनों लिमिट कस्टमर ने ऑलरेडी दे रखी हुई है। ये दूसरे का 50 mm प्लस माइनस 0.5 mm, इसका मतलब कस्टमर चाहता है 49.5 से 50.5 के बीच में, यानी USL, SL, LSL आपको मालूम है। अभी जो आउटपुट आ रहा है वो रीडिंग लेते जाओ, अरे कैलकुलेटर फिट करते जाओ, सिग्मा को बटन दबाओ, सिग्मा की वैल्यू आ गई, सिक्स सिग्मा डिवाइड कर दो सीपी की वैल्यू। अब ये जो सीपी की वैल्यू है इसको यदि आप तीन से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बता देगा कि सिग्मा किस सिग्मा लेवल तक आप प्रोडक्ट को अचीव कर पाएंगे। ये आपके प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स के माध्यम से हम प्रोसेस की कैपेबिलिटी को एसेस कर सकते हैं। यदि वो प्लस माइनस टू सिग्मा बता रहा है तो कस्टमर प्लस माइनस फोर सिग्मा मांग रहा है, थ्री सिग्मा मांग रहा है, आप कह नहीं सकते। यदि आपकी कैपेबिलिटी है लेकिन सेंट्रल लाइन शिफ्ट कर गई है राइट साइड या लेफ्ट साइड तो अचीव कैपेबिलिटी उतनी नहीं होगी, और नॉर्मली अचीव कैपेबिलिटी कम ही मिलती है। तो यहां पर अचीव कैपेबिलिटी कितनी है, अपर स्पेसिफाइड लिमिट माइनस एवरेज डिवाइड बाय थ्री सिग्मा या एवरेज माइनस लोअर स्पेसिफाइड लिमिट डिवाइड थ्री सिग्मा, जो छोटा हो। सीपी मेंटेनेंस के द्वारा इंप्रूव हो सकती है, सीपी के जो वहां पर काम कर रहे हैं दे हैव टू सी, उनको देखना पड़ेगा कि जो एवरेज है वो ठीक है। ग्राफ विलियम वेलफेयर एंड टी एस लंबर्ड इन्होंने ओरिजिनेट किया। अब देखिए ये बेसिक ग्राफ है,
लाइन ग्राफ बार ग्राफ पाई चार्ट पिक्टोरियल चार्ट, लाइन ग्राफ बार ग्राफ पाई ग्राफ पिक्टोरियल चार्ट आप जानते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पज ग्राफ बेल्ट ग्राफ। आप देखिए बेल्ट ग्राफ में यहां पर तीन चीजों को दिखाया गया है और तीनों का टोटल भी मिल गया। ये आपके बच्चे के सब्जेक्ट वाइज नंबर, पांच सब्जेक्ट हैं तो पांचों को और टोटल भी नजर आ जाए। बेल्ट ग्राफ हो गया। एरिया ग्राफ, अब आप देखिए यहाँ फेल्योर अप्रेजल प्रिवेंटिव। यदि हमने इसका बेल्ट ग्राफ बनाया होता 87, 88 से लेकर 92 तक का, और जैसा आपने यहाँ पर देखा ये जो बनाया, यदि हम इन दोनों को आपस में मिला दें, सारे चारों मिला दें और इसको ग्रीन वाले को ऐसे करके लाइन बनाए, व्हाइट को इसी तरह करके बनाए और रेड को इसी तरह करके बनाए, तो इसी तरीके से शायद कुछ ऐसा आ जाए। ये जो स्टेटा ग्राफ या एरिया ग्राफ है इंपॉर्टेंट है किसी समय पर। आप देखिए प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ रही है, फाइनेंस वाला क्या बोलेगा, सर प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ रही है इसको कम करो, लेकिन ये ग्राफ क्या बता रहा है, क्योंकि प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ रही है अप्रेजल कॉस्ट कम होती जा रही है, फेलोर कॉस्ट कम होती चली जा रही है, तो जो पार्टी कॉस्ट है वो हमारी बराबर कम होती चली जा रही है, इंप्रूव कर रही है, ये हमारे लिए फायदेमंद। प्लॉट ग्राफ, जितना आपने अचीव किया ऊपर तैरते हुए दिखा दिया गया, जितना नहीं अचीव कर पाए वो डूब गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग जब 6 दिन का ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं हम इनिशियल स्टेज में उनका टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट ले लिया और रेडार ग्राफ में हमने ये लाइन खींच दी, हमको मालूम पड़ गया हमारे ये जो ग्रुप है उसका स्टेटस क्या है, कहाँ ज्यादा कंसंट्रेट करना है, कहाँ कम करना है। 6 दिन का प्रोग्राम है, 5वें दिन फिर हमने टेस्ट लिया और ये पोजीशन आ गई, इसका मतलब जो रेड पोर्शन है ये इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये भी बता रहा है कि यहाँ पर ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट और चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो इस तरीके से जो 6ठा दिन है हमें इस पर कंसंट्रेट करेंगे तो बेटर होगा। तो ये हमको ये भी बताता है हमने क्या अचीव किया और कहाँ हमको और एफर्ट डालने चाहिए। कंपाउंड ग्राफ आपको बताया है, पैरेटो डायग्राम इट्स अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है हमारे बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। स्टेट डायग्राम, अब आप देखिए इसमें हम जनसंख्या को भी दिखा रहे हैं स्टेट वाइज और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं और साथ में मेल और फीमेल भी दिखा रहे हैं। जी ग्राफ, यहां पर हर महीने दिखाया गया है सेल कितना कितना रहा और जनवरी से लेकर के किसी भी महीने तक का कितना सेल रहा, यानी क्यूमुलेटिव लाइन बनाते चले गए, ये क्या हो गया 12 महीने का सेल। अब हम एक एक महीने पीछे हटते जाएं, ये 12 महीने का सेल है जनवरी से दिसंबर तक का, यहां पर कितना होगा जब हम नवंबर पे लेंगे, पिछले दिसंबर से नवंबर ले लेंगे, यानी जितने भी ये आ रहे लाइन आ रही है ये हमारे जितने भी सेल है ये हमारे होंगे पिछले 12 महीने, क्योंकि हमें पिछले 12 महीने के सेल का ट्रेंड बता रहा है, क्यूमुलेटिव ट्रेंड बता रहा है और मंथली ट्रेंड भी बता रहा है। आप कहोगे ये जेड लिखा है जी को, क्योंकि ज्यादातर ये ग्राफ डेवलप हुए अमेरिका में और वो जेड नहीं जी बोलते हैं, इसीलिए इसको जी, इसीलिए जीटीबी भी। कंट्रोल चार्ट्स देखिए, डेटा दो तरीके के, मेजरेबल और एटीबल। कंट्रोल चार्ट मेजरेबल डेटा के लिए और एट्रीब्यूट डेटा के लिए दोनों ही है। कंट्रोल चार्ट में क्या है जो शेवर्ड ने कहा था, वेरिएशन तो होगा, एक लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यदि पॉइंट उसी के अंदर मूव करता है दिस इज एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर, और ये जो वेरिएशन है ये चांस कारण से, लेकिन यदि कंट्रोल लिमिट के ऊपर कोई पॉइंट आता है ये असाइनेबल कॉज। यहां पर जो मेजरेबल डेटा है उसके बेस पे हम एक्स आर चार्ट बनाते हैं, एक्स बार आर चार्ट बनाते हैं, और दूसरा है मूविंग रेंज चार्ट या एक्स आर चार्ट। जो एट्रीब्यूट डेटा है डिफेक्टिव या डिफेक्ट्स, तो डिफेक्टिव फिक्स सैंपल साइज है तो एनपी चार्ट, वेरिएबल सैंपल साइज है तो पी चार्ट।
और डिफेक्ट कंट्रोल फिक्स सैंपल साइज है, सी चार्ट वेरिएबल सैंपल साइज है, तो यू चार्ट। अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि वेरिएबल और डिफेक्टिव है, यहां जो कंट्रोल लिमिट्स है, यदि फिक्स सैंपल साइज है तो कंट्रोल लिमिट सेम रहेगी, और वेरिएबल सैंपल साइज है तो अपर लोअर कंट्रोल लिमिट भी बदलती जाएगी सैंपल साइज। यहां पर भी कंट्रोल चार्ट, यहां आप देख रहे हैं तीन बार साइज चेंज हुआ है, सैंपल साइज चेंज हुआ है तो तीन बार लिमिट भी चेंज हुआ, जरूरी नहीं कि घटते क्रम में, घटते बढ़ते कैसा। हम लोग डे टू डे में प्रोसेस में एक अपर स्पेसिफाइड लिमिट डाल देते हैं, लोअर स्पेसिफाइड लिमिट डाल देते हैं, और ऑपरेटर को बोलते हैं अब पॉइंट लगाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रन चार्ट। लेकिन रन चार्ट में ही आप ये देखिए, यदि पॉइंट सेवन पॉइंट लगातार सेंट्रल लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसको रन बोलते हैं, मींस एवरेज शिफ्ट हो गया, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। और यदि कंटिन्यूअसली पॉइंट नीचे आ रहा है सेवन पॉइंट या ऊपर जा रहा है, ये ट्रेंड कहलाता है, इमीडिएटली इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। जहां तक कंट्रोल चार्ट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट कंट्रोल करने की बात है, बड़ा सरल, केवल एक फॉर्मूला, क्या, एवरेज प्लस थ्री सिग्मा अपर कंट्रोल लिमिट, एवरेज माइनस थ्री सिग्मा लोअर कंट्रोल। एवरेज आप आसानी से निकालने जानते हो, सिग्मा कैसे करेंगे ऐसे तो आप कैलकुलेशन जानते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल फॉर्मूले बता देते हैं। एक चीज और, जब हम एक्स बार आर चार्ट, एक्स आर चार्ट बनाते हैं, रेंज इंपॉर्टेंट है, एवरेज नहीं, एवरेज है लेकिन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अपर कंट्रोल लिमिट रेंज डी फोर आर बार, लोअर कंट्रोल लिमिट रेंज आर इक्वल टू डी थ्री, जिससे हम ये महसूस मालूम कर सकते हैं कि इसका रेंज कहां से कहां तक जा सकता है। जहां तक सिग्मा की बात है, ये फार्मूले दिए हुए हैं। अब इसमें एन तो नंबर है, पी परसेंटेज है, सी आपने कितने कितने डिफेक्ट्स आए वो है, तो इस तरीके से यू कितने कितने डिफेक्ट्स कितने सैंपल साइज में आए हैं वो बता रहा है। तो ये सारे डेटा है, ए टू टी टू और इसके पहले डी फोर डी थ्री आया था, ये सब आप स्टेटिस्टिक्स के बुक में सैंपल साइज के हिसाब से इनके कांस्टेंट को देख सकते हैं, और आप देखिए सिग्मा की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार हमने सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री सिग्मा हो गया, एवरेज में जोड़ दिया अपर लिमिट, एवरेज से घटा दिया लोअर लिमिट, इतना सरल है। साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने इस नॉलेज टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। With best wishes for NCQC 2022, नमस्कार।